सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वंदे देवयुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। पधारिये हनुमान जी विराजिये महाराज। कथा आरंभ होत है रखमो हमारी लाज। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम बोलिए उमापति महादेव की। श्री शिव महापुराण की। पूज्य स्वामी जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे भोलेनाथ हरे महादेव। नाथ हरे महादेव हरे भोले नाथ हरे महादेव हरे भोले नाथ हरे। ओ महादेव हरे भोले नाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ।
बोलिए उमापते महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद् सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पतित पावन भूत भावन भगवान शंकर के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए पूज्य बड़े स्वामी जी महाराज की विदेह उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए यह व्यासपीठ आप सभी का आज श्री शिव महापुराण के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परमतम सौभाग्य का क्षण आप लोगों के लिए हमारे लिए परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री बाड़ीवाले महाराज जी की पुण्य स्मृति में एवं पूज्य स्वामी श्री सोमगिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस शिव महापुराण में आज हमने प्रथम दिवस में प्रवेश करना है। और सौभाग्य की बात इसलिए भी है मेरी माताओं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, चंद्रगणना से भी सूर्यगणना से भी, और शिव पुराण महात्मय अध्याय नंबर 6 इस बात को कहता है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव की कथा न सुन पाए कोई बात नहीं, किसी विशेष पर्व पर इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। और शिव का विशेष पर्व या शिवरात्रि हो सकता है या श्रावण हो सकता है। प्रेम से कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप लोग इतने भी कम नहीं हैं कि आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। हाँ। बोले शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। आओ लेकर चलूं आपको कथा की धारा में। पहले कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करें, फिर आपको मूल कथा की ओर लेकर चलूं। आप सभी जानते हैं जिस ग्रंथ को हम लेकर बैठे हैं इसका नाम है शिव पुराण। कथा किसकी है? शिव की। अब शिव है इनका नाम। शिव का अर्थ होता है पवित्र, मंगल, शुभ। जिसका जैसा नाम होगा वो वैसा काम करेगा। शिव के नाम का अर्थ मंगल है वो मंगल करेंगे, शिव के नाम का अर्थ शुभ है वो शुभ करेंगे, शिव के नाम का अर्थ पवित्र है वो पवित्र करेंगे। पर भगवान शिव के दो नाम ऐसे हैं जो हम नाम समझते हैं पर वो काम है भोलेनाथ के। पहला नाम शंकर, दूसरा नाम शंभो। ये दोनों नाम नहीं है, ये भोलेनाथ के काम है। शम करोति इति शंकर। शम यानी शांति, भला, मंगल, कर यानी करने वाला। तो जो भला करने वाला है, शुभ करने वाला है वो कौन है? शंकर। अब मान लो हमारे जीवन में शुभ नहीं है, मंगल नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं है। इसका हिसाब किताब भी भोलेनाथ ने अपने पास रखा है। तो भगवान का दूसरा नाम आया शंभो। शंभोदयति उत्पादयति इति शंभो। जो शम को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वो कौन है? शंकर। यानी आप, आपके जीवन में अच्छा है, भोलेनाथ उस अच्छे को खूब अच्छा करेंगे। आपके जीवन में अच्छा नहीं है, चिंता मत करो, भोलेनाथ उसको बना देंगे। यानी सीधी स्पष्ट समझने वाली बात है मेरी माताओं, हमारे जीवन में कोई भी कमी हो, हर कोई देवता देव हो सकता है। ये एकमात्र है जो महादेव है। जगत में पूजे जाने वाले सभी कंकर नहीं होते, जगत का जहर पीने वाले सभी शंकर नहीं होते। और आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देवता है जिनको ना सोने का सिंहासन चाहिए, ना चांदी के छत्र चाहिए, ना कोई खूब बढ़िया छप्पन भोग चाहिए, ना फूलों की माला चाहिए। एक लोटा जल लेके जाओ, चढ़ाए दो, हर हर महादेव, काम हो गया। पर भोलेनाथ इससे आगे भी कहते हैं, हम करेंगे चर्चा एक एक विषय पर। भगवान कहते हैं एक लोटा जल की भी आवश्यकता। अच्छा प्रभु, यदि एक लोटा जल की भी आवश्यकता नहीं है तो हम आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो भगवान शिव बड़ी सुंदर बात भगवती पार्वती को शिव पुराण की पार्वती खंड में कहते हैं। भक्ताधीनः सदा हम वै तत्प्रभावा गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संचयः। भगवान शिव बोले पार्वती, भक्ति के कारण मैं उस व्यक्ति के घर भी चला जाता हूँ जिसे लोग नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं।
मेरे शब्द नहीं है माताओं, शिव के शब्द हैं। नीचा नाम जाति हीना नाम यामी देवी न संशया। अच्छा एक बात तुमको पहले दिन स्पष्ट किए देता हूं, तुम लोगों ने आज तक कृष्ण शिव को देखा है कृष्ण के चश्मे से, राम के चश्मे से, दुर्गा के चश्मे से, कैसे? अच्छा यदि मैं तुमसे पूछूं भागवत में शिव है, आप लोग कहेंगे है। अब हम पूछें कि भागवत में शिव कहाँ कहाँ है, कृष्ण कथा में शिव कहाँ कहाँ है? महाराज वो कथा आती है ना जब वो बढ़िया सुंदर घाघरा चोली पहनकर गोपी बनकर आए थे ना। अच्छा महाराज वो भी तो कथा है जब भोलेनाथ एक बाबा बन के दर्शन करने आए, जसोदा मैया डर गई, जसोदा मैया ने कहा तुझे देखकर मुझे डर लग रहा है, मेरा छोटा सा बेटा डर जाएगा, आए थे ना। मजे की बात वो दोनों शंकर शिव पुराण में है ही नहीं। ये बात पहले ही दिन स्पष्ट किए देता हूं, शिव पुराण का शिव रस वाला नहीं है, योग वाला है। वो शिव है जो कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठकर पार्वती को अष्टांग योग का उपदेश देता है। ये वो शिव नहीं है जो साड़ी पहनकर गोपी बनता है और कृष्ण के लिए नाचता है, उल्टा ये वो शिव है जिसका तप कृष्ण करता है। समझना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भैया देखो आप लोग स्कूल जाते हैं विद्यालय जाते हैं तो आपको कोई भी अध्यापक पहले दिन से पढ़ाना आरंभ नहीं करता, पहले सब्जेक्ट में प्रवेश करवाएगा। शिव पुराण में प्रवेश तब करोगे जब शिव इस डिजिट को, इस शब्द को, इस वर्ड को समझोगे। शिव यानी शुभ, शिव यानी मंगल, शिव यानी बढ़िया, शिव यानी पवित्र। तुम्हें पवित्र चाहिए, तुम्हें मंगल चाहिए, तुम्हें बढ़िया चाहिए, तुम्हें शुभ चाहिए, किसके चरण पकड़ने हैं? बोले नाम बस। मैं तुम्हें सच में ये बात कहूं, भले ही वर्तमान में शिव पुराण प्रसिद्ध हो पर मुझे लगता है शिव पुराण इस समय भी गुप्त है। मैं प्रयास करूंगा पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, कि नए नए रहस्य तुम्हारे सामने भगवान शिव के लाऊंगा। पर याद रखना माताओं, कथा एक व्यक्ति से नहीं होती, दो व्यक्ति से होती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। मैं यहाँ 3 घंटे बोलूं, तुम नीचे बैठकर खर्राटा मारो, कथा नहीं होने वाली। तुम कथा सुनने आओ, हमारी कथा तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े तब भी कथा नहीं होने वाली। कथा एक घटना है, दो व्यक्ति चाहिए, कहने वाला एक सुनने वाला। प्रेम से कहो नमः शिवाय, आवाज ना आए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थोड़ा मुस्कुरा के बैठे, थोड़ा गुस्से में काए बैठे। ऐसी भगवान शिव की पतित पावनी कथा को आप और हम श्रवण करने बैठे हैं, एक संत की कृपा से और एक संत की शरणागति। कर्तव्य है हमारा, हमें स्मरण करना है उस संतत्व का जो भले ही देह के रूप में हमारे मध्य में नहीं है पर उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आप जानते हैं हर साल यहाँ कथा की सेवा सजती है, बड़े बड़े संतों का तुम्हें दर्शन प्राप्त होता है, नए नए भगवान के विषय सुनने को मिलते हैं। तो हम प्रणाम करें उस संतत्व के चरणों में, क्योंकि मैं तुम्हें माताओं एक बात कहूँ, संत किसी शरीर का नाम नहीं होता, संत एक अवस्था है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया, बदन बदन तो मंदिर बन गया। अब आप लोग सोचेंगे संतों का शरीर मंदिर कैसे है, बिल्कुल है। अच्छा चलो एक छोटा सा उदाहरण दूं फिर तुम्हें मूल कथा की ओर लेकर आऊं। याद करो वो प्रसंग जब हनुमान जी महाराज खोजने गए सीता को, गए थे सीता को, कभी देखा है हनुमान जी ने? राम जी ने कोई फोटो दिखाई थी? पहचानेंगे कैसे, वो अलग विषय है। हनुमान जी महाराज एक एक छत पर बैठकर सीता जी को ढूंढते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, सुंदरकांड की चौपाई है। अब एक सवाल उठता है, लंका में तो मंदिर है ही नहीं, तो कैसे लिख दिया मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा?
तो संत बड़ा सुंदर कारण देते, हनुमान जी महाराज कौन है? बंदों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय अगार, बस ही राम शर चाप धर। हनुमान जी कौन है? जिनके हृदय में राम जी बैठते हैं, तो हनुमान जी चलते फिरते मंदिर हैं, जिस छत पर जाकर हनुमान जी बैठ गए वो मंदिर हो गए। तभी कारण था लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, और यही कारण था संतों को कहा गया मानस में, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमे जग जंगम तीरथ राजू। जंगम का अर्थ, अच्छा तुम सबके हाथ में ये गैजेट होता है ना, इसे क्या कहते हैं? मोबाइल। मोबाइल का सीधा अर्थ क्या होता है? चलता फिरता। संतों को जंगम तीर्थ कहा जाता है, संत चलते फिरते तीर्थ हैं। संत गंगा में जाकर पवित्र नहीं होते, संतों के जाने से गंगा पवित्र होती है। संतों के जाने से गंगा पवित्र होती है। सिख परंपरा की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु ओ थान सुहावा राम राजे। जहां जाकर मेरे गुरुदेव बैठ जाते हैं वो स्थान राम राज्य बन जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो भारत की ऐसी अक्षुण्ण संत परंपरा को प्रणाम करते हुए हम चले कथा की धारा की ओर। चलो मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में एक बड़ा सुंदर वट वृक्ष है, जिसके नीचे बैठे हैं सूत जी महाराज। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, इनसे ही शुरू होगा। सूत जी बैठे हैं। अब सूत जी कौन है? भगवान वेदव्यास के शिष्य, डायरेक्ट शिष्य, मतलब जिन्हें कथा वाया वाया नहीं मिली, सीधे वेदव्यास जी के मुख से सुनने को मिली है, वो सूत जी कथा सुनाने बैठे हैं। सामने लाखों लाख संत हैं, जिनके अधिपति बनकर बैठे हैं शौनक। भागवत भी सूत शौनक से शुरू होती है, शिव पुराण भी सूत शौनक से शुरू होता है। श्री शौनक जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं सूत जी के। गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं? सूत जी कहते भैया पूछ। अब यहां पर शौनक जी बोले, हे हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। ये पहला श्लोक शिव पुराण के भाग में का, और यदि श्लोक पर थोड़ा डीपली देखो, थोड़ा गहराई में जाओ, तुम्हें बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। प्रेम से कहो नमः शिवाय। सोना नहीं आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यदि हम श्लोक पर चर्चा करें, श्री सूत जी महाराज से शौनक जी बोले, हे हे सूत महाप्राज्ञ, प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द बना है प्रज्ञा से, और प्रज्ञा किसे कहते हैं? जो जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की बुद्धि है, जिससे बड़ा बुद्धिशाली कोई नहीं है, वो प्रज्ञावान होगा। सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आप सारे सिद्धांत जानते हो। अच्छा एक एक छोटा सा उदाहरण दूं तुम्हें। आपने विद्यालय में पढ़ा 2+2=4, जब आप बड़े होते हैं गणित को और अंदर जाकर पढ़ते हैं, तब आपको सिद्धांत समझ आता है 2+2=4 ही क्यों हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ। यानी आपको शिव पुराण की केवल कथा नहीं पता, आपको शिव पुराण का सिद्धांत भी पता है। आख्या ही में कथा सारम, मुझे कथा का सार सुनाए, और सार भी कैसा? पुराणा नाम विशेषतः, पुराणों का सार सुनाए। श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि शौनक जी ने पूछा आत्मा की शुद्धि कैसे हो, हमारा मन उल्टे कामों में खूब लगता है महाराज, भगवान के भजन में कैसे लगे? और मेरी बात का विश्वास नहीं, आप स्वयं इस बात की गवाही देंगे, जितने सचेत हम पाप करने में होते हैं, उतने सचेत हम पुण्य करने में नहीं है। पाप करते समय हमारी पूरी डेडिकेशन होगी, पूरी तटस्थता होगी कि हमारे पाप को कोई देख ना ले, और पुण्य करते समय हुआ हुआ नहीं हुआ महाराज चला लो, चलता है। पंडित जी बोलेंगे ये सामान नहीं है, तो क्या हुआ, चलता है चलाए, और पाप में चाहिए ही चाहिए। कारण हमारी इच्छा होती है कि हमारा पाप छुपे, हमारा पुण्य छपे, होता उल्टा है, पाप आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाता। बोले उमापति महादेव की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शिवतोष करम दिव्यम, श्रृणु वत्स रसायनम। अरे वत्स
मैं तुझे वो रसायन सुनाता हूँ जो शिव को प्रसन्न करने वाला है। माताओं एक बात आज पहले दिन ही गांठ बांध लो, शिव पुराण का सबसे बड़ा फल क्या है? शिव पुराण की कथा का सबसे बड़ा फल क्या है? शिव पुराण की कथा सुनने से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव तोष करम दिव्यम, शिव पुराण की कथा से शिव प्रसन्न होते हैं। भैया भोलेनाथ से बढ़िया 10-20-50 लाख की गाड़ी मांगना, बढ़िया सी दुल्हन मांगना, बढ़िया बढ़िया बेटा बहू बिजनेस मांगना, बाद की बातें हैं। जब भोलेनाथ ही प्रसन्न हो गए तो क्या रह गया? छोटी मोटी डिमांड मत रखना, किसी अरबपति के दरवाजे पर जाकर तुम 10-20 रुपया मांग कर लाए तो तुम्हारा ही घाटा है। शिव से मांगी भी तो गाड़ी, तुम्हारा ही घाटा है। हमें मांगना नहीं आता, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, काम है मेरा चाहत करूं आपकी, मुख से पर्दा हटाना तेरा काम। भक्त का काम है कि वो आवाज दे, तुम्हारा काम है आवाज दो। भक्त का काम है कि वो आवाज दे, आगे आना ना आना तेरा काम है। भक्त का काम है कि वो माला करे, खाली झोली को भरना प्रभु हम अपना काम करेंगे, तू देख तू अपना करेगा। बस बस भक्ति में यही तो है, प्रेम में यही तो है, यही भक्ति का आनंद है। प्रेम से कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हाँ सुनो, ये मंत्र शिव पुराण का सार है। लगभग 76 बार से अधिक शिव पुराण में इस मंत्र का वर्णन आया है। मेरे पास प्रमाण है, जहां एक संत दूसरे को यही मंत्र देते, इसे मंत्र राज कहा गया है। ठीक, वैसे हम चाहे कथा के बीच में हर हर महादेव बुलवा सकते हैं, नहीं बुलवाएंगे, हम नमः शिवाय ही बोलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आज ही कह दूं, कल प्रमाण के साथ दोबारा कहूंगा, भगवान शिव कहते हैं नमः शिवाय ऐसा मंत्र है, तुम्हारे पास गुरु है तो जपो, नहीं है तो भी जपो। शिव ने इसे विद्या कहा, मंत्र राज कहा। मैं प्रमाण दे सकता हूं इस बात का, शिव कहते हैं बिना गुरु के भी ये मंत्र फल देता है। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री सूत जी महाराज बोले, शौनक काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। काल को कहा जाता है सर्प, भागवत में भी कहा गया, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। और शिव पुराण में भी काल को कहा गया सर्प, क्यों? हाथी गधा घोड़ा तोता बतख ये क्यों नहीं कहा? मृत्यु को हमेशा सांप क्यों कहा जाता है? सावन का महीना है, आजकल खूब सांप निकलते हैं, तुमने खूब देखे होंगे। सांप तुम जानते हो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है, और मृत्यु की गति भी टेढ़ी है। ठीक, मृत्यु कभी सीधी चलती है नहीं। तुम्हारे कान में किसी की भी मौत की खबर पड़ेगी, तुम्हारे मुख से पहला शब्द निकलेगा, अरे विश्वास नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि मृत्यु की गति। अच्छा, और शिव ने गले में क्या धारण किया होता है? सर, मृत्यु। हम मृत्यु से डरते हैं, शिव मृत्यु से श्रृंगार करते हैं। कि सांप जो काल रूपी है उसके डर को नष्ट करने में सबसे बढ़िया ये कथा है। शिव पुराण सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है, इससे सुनने और पढ़ने वाले को शिव प्राणों से भी प्रिय होते हैं। शिव पुराण में एक जगह मैंने एक बात पढ़ी, उसमें कहा गया कि जो शिव पुराण की कथा रोज सुनता है, रोज, उसे शिव उतना प्रेम करते हैं जितना गणेश और कार्तिकेय को करते हैं, पुत्र की तरह। और माताएं अच्छे से जानती हैं, माता को अपना पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। यानी कुछ नहीं करना, कोई माला कोई पूजा कुछ नहीं, 3 घंटे मजे से बैठो, ताली पीटते पीटते कथा को आनंद लो, बस इतना सा ही काम करो, इतना सा तो कर सकते हैं। बोलियो उमापति महादेव की। भगवान शिव ने तो यहां तक कह दिया कि जो आधा क्षण भी इस शिव पुराण की कथा सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती।
और जो सारे यज्ञों का फल है वो शिव पुराण में है। इसमें भैया 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं हैं, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, ये 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में, जिनमें से रुद्र संहिता सबसे बड़ी है। मैं फिर से निवेदन करूं, जिस शिव को तुम जानते हो वो इस पुराण में नहीं है। यदि मैं तुम्हें कहूं 9वें और 10वें दिन एक ऐसी कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने मुंडन करवाया, कृष्ण ने मुंडन करवाया, माथे पर त्रिपुंड लगाया, भस्म लगाई, उपमन्यु ऋषि से नमः शिवाय की दीक्षा ली और कृष्ण ने एक पैर पर खड़े होकर 16 महीने तक तप किया। किसके लिए? शिव के लिए। यदि कृष्ण शिव को पूजते हैं तो शिव भी कृष्ण को पूजते हैं। मैं इस शिव पुराण को प्रणाम करता हूँ। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधीहि शिव प्रसन्नताम याया दद्यात् स्वपद योरतिम। मैं उस शिव पुराण की कथा को प्रणाम करता हूँ जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने चरणों में प्रेम देते हैं, स्वपद योरतिम। श्री अब शौनक जी ने कहा, गुरुदेव ये तो मैंने सब कुछ सुन लिया, ऐसा होता है वैसा होता है, गुरुदेव कौन कौन से पापी मुक्त होते हैं? अब आप लोग सोचेंगे पापी तो पापी होता है। नहीं, हमारे ग्रंथों के हिसाब से पापियों के भी लेवल होते हैं। छोटा पापी, बढ़िया पापी, ब्रांडेड पापी, डिग्री वाला पापी, डॉक्टरेट पापी। शास्त्रों में पापियों की कैसे मैं प्रमाण देता हूं, जैसे भागवत के महात्म्य के 3रे या 4थे अध्याय में श्लोक आया, पंचोग्र पापा छल छत्मकारिणः क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जो 5 प्रकार के सबसे ऊंचे पाप करते हैं वो भी इस कथा से मुक्त होते हैं। 5 प्रकार के सबसे कौन कौन से? पहला ब्रह्मघ्न, ब्राह्मण और संत की घात करना, ये पहला पाप। दूसरा गोघ्नश्च, गौ की घात करना, ये दूसरा पाप। तीसरा स्वर्णस्ते, किसी दूसरे के सोने पर, संपत्ति पर, जमीन पर कब्जा करना, सब करते हैं, सब करते। इधर वाला खेत में नहीं होगा तो इधर वाला खेत को काट काट के मेंढ को छोटा करेगा। मुझे समझ नहीं आता 4 अंगुल बढ़ा बढ़ा के जाएगा कहां। तुम गांव के लोग बैठे हो, बहुत अच्छे से समझते हो इस बात को, खूब होते हैं ऐसे। हाँ, दो दो बिस्वा जमीन के लिए भाई एक दूजे को कोर्ट में घसीटते हैं। कौन भाई? जो बचपन में एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते वो बड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। 3 पापी तुमने सुन लिए, चौथा पापी मद्यपह, पीने वाला। अब क्या पीना है तुमको खुद पता है। और ये छोटे मोटे हाई क्लास वाले पापी हैं। और 5वां तो गजब लिख दिया शास्त्रों में संतों ने। शास्त्र कहते हैं तत्संसर्गी पंचमस्त, इन 4 पापियों से की गई मित्रता 5वां पाप। हम नहीं करते महाराज पाप, हमारा दोस्त करता है, हमारा मित्र करता है। तो भैया तुम ही पापी हो, तुम भी पापी हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानव पापकृतो दुराचार तथा खलाहा कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै, कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पाप करता है। भैया ऐसा मत सोचना कि तुमने हाथ से किसी को डंडा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, वो पाप है। नहीं, पापी 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। किसी ने तुमको गाली दी, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अंदर ही अंदर भगवान देखेगा तुझे, देखेगा तुझे, ये मानसिक पाप है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो माला करती हूँ, मुझे मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, भोलेनाथ देखेंगे तुझे, भोलेनाथ। ये मनसा पाप है, ये मन से किया हुआ पाप है। दूसरा शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, ये वचसा पाप है। और तीसरा कर्मणा, कर्म से किए गए पाप, 3 प्रकार के पाप है। गुरुदेव बाकी तो सब बढ़िया ही, इस कथा से कोई मुक्त हुआ? हाँ, यहाँ बड़ी प्यारी कथा आई है कि बहुत समय पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों से दूर था। वो केवल नाम का ब्राह्मण था, उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज।
किसी पराई स्त्री पर मुग्ध हो गए, अपनी पत्नी भी छोड़ दी, अपने पिता भी छोड़ दी, अपनी माता भी छोड़ दी और घर की सारी संपदा संपत्ति लाकर उस पराई पत्नी को दे दी, पराई स्त्री को दे दी। है कौन ब्राह्मण? पर नाम का ब्राह्मण, कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं, संध्या नहीं। एक बार क्या हुआ कि उसके गांव में अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं आप लोग, तो निकला भैया प्रयागराज जो है ना उत्तर प्रदेश में, उसके पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झूंसी। झूंसी का शास्त्रों में नाम आया प्रतिष्ठानपुर। वो प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा, अचानक उसे वहां पर भयंकर बुखार हो गया देवराज को, तो लड़खड़ाकर हुआ किसी शिव मंदिर में पहुंचा। पंडित जी बढ़िया व्यासपीठ सजा के कथा कर रहे थे, ये निढाल होकर गिर गया और बुखार इसे इतना है कि ना हिल सकता है। बहुत देर तक कान बंद करने के प्रयास करता है, कान बंद नहीं कर सकता, तो न चाहते हुए इसे कथा सुननी पड़ी। कथा सुननी पड़ी, बुखार के कारण शरीर छूटा। इसे यमदूत लेने आए, यमदूतों ने इसे जैसे ही उस बंधन में बांधा, डम डम डमरू का निनाद करते हुए भगवान शिव के गण आए। रुको, कहां लेकर जा रहे हो आप? कौन? हम शिव के दूत हैं, इसे कैलाश लेकर ले जाने आए हैं। यमदूत हंसते हंसते बोले, लगता है आपके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ हो गई है, ये कैलाश जाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये नरकों में जाने वाला व्यक्ति है। हम इसके 10 पाप गिना सकते हैं, आप इसका 1 पुण्य तो गिनाओ। भगवान शिव के गण बोले, इसने शिव मंदिर में प्राण छोड़े, शिव कथा सुनते सुनते प्राण छोड़े, ये शिव के पास ही जाएगा। और माताओं करना दर्शन, वर्णन आया शिव पुराण के महात्म्य में, भगवान शिव के दूतों ने उसे पकड़ा और कैलाश ले जाकर शिव के हाथों में दे दिया। कितनी महिमा इस ग्रंथ, कितनी महिमा इस ग्रंथ की। ये सुना तो श्री श्री शौनक जी महाराज बड़े गदगद, महाराज एक कथा और हो जाए। ये कथा बिल्कुल वैसी है जैसे तुम लोग भागवत में धुंधुली और धुंधुकारी सुनती हो ना, ये बिल्कुल वैसी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुग, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। बिंदु खूब पापी था, उसे देखकर धीरे धीरे उसकी पत्नी भी पापी हो गई। दूसरों को लूटते, मारते, धन हरण कर लेते, ऐसे इनका जीवन निकलता, ऐसे इनका जीवन निकलता। बुढ़ापा आया, बिंदु मर गया। चंचुला अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ तीर्थ करने निकली। अच्छा आप लोग एक बात समझना, कभी ऐसा हुआ होगा तुम अपने परिवार के साथ तीर्थ गए थे, तो ध्यान रखना दादा बेटा पोता तीनों की मानसिकता अलग होती है तीर्थ में। जो बूढ़े होंगे उनकी इच्छा होगी दर्शन कर ले, कथा सुन ले, संतों की सेवा कर ले। जो बीच वाली पीढ़ी होगी उनकी इच्छा होगी चाट पकौड़ी खाए ले, फोटो खिंचवाए ले। जो सबसे छोटी वाली पीढ़ी होगी उनकी इच्छा होगी रील्स बनाए ले। आजकल की नई बीमारी निकली है, यानी हर व्यक्ति तीर्थ में अलग भाव से जाता है, मानते हो? तो जब ये रिश्तेदारों के साथ तीर्थ में गई तो जो साथ के रिश्तेदार थे वो कहीं और निकल गए। ये टहलती टहलती अलग अलग मंदिरों का दर्शन करती करती एक मंदिर में पहुंची। पंडित जी शिव पुराण बांच रहे थे, गड़बड़ ये हुई, पंडित जी नरकों की कथा सुना रहे थे, शिव पुराण में आई आने वाले दिनों में। और जैसे ही इसने नरकों की कथा सुनी, ये तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? महाराज मेरा पूरा जीवन पाप में गया, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। आपने कहा कि नरकों में जाता है व्यक्ति पाप करने वाला, जब मैं मरूंगी यमदूत मेरे गले में फंदा डालेंगे, मुझे आरों से चीरा जाएगा, मुझे तेल के कड़ाहे में डाला जाएगा, मैं क्या करूंगी? संत हंसते हंसते बोले, बेटी पश्चाताप पाप कृताम पापा नाम निष्कृति पराहा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। आपने कोई पाप किया, उस पाप के बाद आपको पश्चाताप हुआ, आधा पाप तो वहीं धुल गया।
नहीं महाराज, फिर भी मैंने अपने जीवन में खूब पाप किए, मैं तो, मैं मेरे पति भी ऐसे ही थे। चिंता मत कर, शिव का भजन कर, इस चंचुला ने कान में मंत्र लिया, नमः शिवाय मंत्र लिया। रोज बढ़िया नदी के तट पर अंगुष्ठ मात्र के मिट्टी के शिवलिंग बनाती, जिन्हें हम कहते हैं पार्थिव शिवलिंग, उनका रोज सुबह बढ़िया बनाकर थाप कर उनका पूजन करती, शाम को उनका विसर्जन करती। प्राण छूटे, भगवान शिव के दूत लेकर गए हैं और सीधी जाकर ये कैलाश में उस भवन में पहुंची जहां पर सामने बड़े भव्य स्वरूप में भगवान शिव बैठे हैं। उनके आसपास यक्ष चारण सिद्ध गंधर्व देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी देवांगनाएं उनके चवर डुला रही हैं, देवता का से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। चंचुला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, पूरे जीवन पाप किया, कुछ दिन भजन किया, शंकर मिल गए, पूरा जीवन भजन करती तो न जाने क्या होता। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। आओ दो पंक्तियां गुनगुनाएं, फिर आगे की यात्रा की ओर चलेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर ओ, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो उमापति महादेव।
जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, हो जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, जमाने मेरी सांसों में बहती है तेरे ही
कर जब भी तुम्हारा हो, महक जाए हर एक मंत्र, जिक्र जब भी तुम्हारा हो, महक जाए हर एक मंत्र, जिक्र जब भी तुम्हारा हो। ओ तेरा दर मिल गया मुझको सहारा, अगर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, ओ तेरा अगर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा अगर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, ओ तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, रहे तू सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो, हो तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रेम से कहो ना नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है,
भैया हमारी हिंदू परंपरा में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। दूसरे के धर्म में राजा होकर मरने से अच्छा अपने धर्म में भिखारी होकर मरना। और बार बार किसी दूसरे देवता के आगे झोली फैलाने से अच्छा एक के चरण पकड़ लो। ये हम लोगों में बहुत कमी है। सावन चल रहा है ना, तो सब भोलेनाथ वाले हैं इस टाइम। जन्माष्टमी आने दो, सब भोलेनाथ को छोड़ देंगे, बांके बिहारी लाल की जय। फिर नवरात्रि आएगी तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय। दशहरा आ गया तो जय जय श्री राम। दीपावली तो जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता। एक है साधे सब सद है, सब साध है सब एक। मुश्किल है कई बार, पता है क्या होता है, दूसरे धर्म के लोग ना आक्षेप करते हैं कि हिंदुओं में खूब सारे देवी देवता पूजे जाते। भैया फायदे की बात है, गोरे गोरे देवता चाहिए भोलेनाथ पकड़ो, गोरे नहीं चाहिए सांवले चाहिए तो कन्हैया है, अच्छा दुबले पतले नहीं गोल मटोल चाहिए तो गणेश जी है। सारे विकल्प हमारे पास है। सुडौल चाहिए तो हनुमान जी महाराज है, अच्छा पुरुषों में नहीं चाहिए माताओं में चाहिए, तो माताओं में भी खूब सारे विकल्प है। तुम्हें तो चरणों पर लोटपोट होने से मतलब है ना, पकड़ लो भैया एक को, एक कोई एक जो तुम्हें बाकियों से भी मिलवा दे। अच्छा ऐसा वर्णन आया कि जब पार्वती जी का जन्म हुआ अथवा कृष्ण का जन्म हुआ, तब किसी भी देवता का मान लो तुम, तो बाकी सब देवता भेष बदल बदल के उनके दर्शन करने आने लगे। अयोध्या के रहने वाले या वृंदावन के रहने वाले या हिमालय के रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब मौज लूटने लगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो पार्वती जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु भेष बदल कर आए, किसी ने ब्रह्मा और विष्णु का तप किया था? नहीं, वो तो लॉटरी लग गई, एक के साथ एक फ्री। बस तब ऐसा किया कि जगदम्बा ने पार्वती ने जन्म लेने के लिए वही स्थान चुना, बस बाकी सब देवता पीछे पीछे आए। माताओं निवेदन करूं, एक को पकड़ो, यूं पकड़ो कि बाकी सबको तुम्हारे पास आना पड़े। मुझे छोटी सी घटना याद हो आई, एक बार क्या हुआ, बिहार के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए विद्यापति। क्या नाम हुआ? विद्यापति। ये हुए लगभग 400-500-600 वर्ष पूर्व। तो ये शिव की खूब बढ़िया उपासक थे और खूब बड़े कवि थे, लेखक थे, काम ज्यादा था, हो पाता नहीं था, किसी नौकर की आवश्यकता थी, तो भगवान शिव भेष बदल कर आए, द्वार खटखटाया। विद्यापति जी ने द्वार खोला तो सामने देखा, खूब बढ़िया सुंदर एक व्यक्ति सामने खड़े, पर पहचान नहीं पाए, कौन हो तुम? महाराज आपका नाम विद्यापति है? हाँ। आप राजकवि हैं? हाँ। मैंने सुना है आपके पास किसी नौकर की आवश्यकता है? हाँ हाँ। कौन हो तुम? मेरा नाम महाराज, मेरा नाम है उदना। शिव ने अपना नाम क्या बताया? उदना। काम कर लेते हो जी? घर के अंदर का, घर के बाहर का, राजमहल का, कवित्त का जी? बदले में क्या लोगे? बस दो समय का भोजन, आपका खूब सारा प्रेम। विद्यापति जी को बड़ा आनंद है, भैया ये तो बड़ा बढ़िया व्यक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि यदि तुम्हारा खूब बढ़िया ऑफिस है, खूब बड़ा ऑफिस है, कोई कोई नया स्टाफ का मेंबर ऐसा आता है कि जो जो खूब जल्दी तुम्हारे खूब निकट आ जाता है स्वभाव के कारण, तो वर्णन मिलता है कि उदना और विद्यापति के भीतर का जो प्रेम है खूब प्रगाढ़ होता गया और विद्यापति पहचान नहीं पा रहे। विद्यापति की पत्नी चिढ़ है, जब देखो कहीं घूमने जाना हो तो नौकर को साथ लेके जाते हैं। अब विद्यापति को धीरे धीरे शंका होने लगी कि ये व्यक्ति नौकर नहीं है, मैं जो सोचता हूं वो सोचने से भी पहले ये कर देता है। विद्यापति ने सोचा चलो इसकी परीक्षा ली जाए। भैया विद्यापति जी भगवती गंगा के खूब बड़े उपासक थे, गंगा के। एक दिन उदना से कहा, उदना मुझे किसी दूर देश काम पे चलना है, चलोगे? जी मालिक। लाओ लाओ मैं आपका थैला उठा देता हूँ। आगे आगे विद्यापति, पीछे पीछे उदना, बीच घनघोर जंगल में पहुंचे। और विद्यापति ने सोचा अब मैं इसकी परीक्षा लूंगा, उदना हमको प्यास लगी है, पानी लेके आओ।
और किस जगह कहा, जहां विद्यापति को पता है कोसों दूर तक कोई पानी, कोई बावड़ी, कोई नदी, कोई सरोवर। भोलेनाथ सोचे भैया कहां फंसा दिया हमको पानी लाने के। हाँ हाँ, हाँ मालिक, हम अभी लेके आते हैं। भोलेनाथ पेड़ के पीछे गए, अपना असली रूप धारण किया, जटाओं से गंगा भरी, फिर उदना का रूप धारण किया, लाकर विद्या, लो महाराज पानी। पहला माथा तो विद्यापति का ठनक गया, वो जल का पात्र लिया, घूंटों से लगाया, दो घूंट पिए, पहचान गई तो गंगा जी का जल है, कौन हो तुम। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, मैं आपका चरण चंचरीक, मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, उदना सौगंध है तुम्हें, सच बोलो कौन हो। यहाँ आस पास तक मीलों तक कोई जल का स्रोत नहीं है, ये गंगा जी का जल है, कौन हो तुम, सामने आओ, सौगंध है तुम्हें इस विद्यापति के प्रेम की समक्ष आओ। भक्त ने प्रेम की सौगंध क्या दी, डम डम डमरू का निनाद करते हुए भगवान समक्ष प्रकट हुए हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। भैया विद्यापति के मुख से स्तुति नहीं निकली, आंखों से आंसू गिर गए। नाथ पाप काहे चढ़ा रहे हो, मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, तुमसे सेवा नहीं करवानी। भगवान बोले सेवा करवाने में मजा आता है, तो भैया कभी कभी करने में भी आनंद आता है सेवा, मुझे तेरी सेवा कर लेने दे। विद्यापति बोले नहीं, अब मैं आपको सेवक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा। भगवान कहते तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, तुझे मेरी सौगंध है, पत्नी को सच मत बताना। पत्नी को सच। अब ये दोनों लौटे, गड़बड़ क्या हुई, व्यवहार बिल्कुल बदल गया, अब पता ही नहीं चलता कि मालिक कौन और नौकर कौन। उदना के लिए खाना विद्यापति बनावे, उदना के लिए गर्म पानी विद्यापति करे, उदना की सेवा चाकरी विद्यापति करे। विद्यापति की पत्नी ने तो माथा पकड़ा, पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया इसने मेरे पति पर। एक दिन कोई सहेली आई, सहेली ने पूछा बहन आजकल खूब उदास रहती है, खूब दुबरा गई है। अरे कहा बताऊं, नौकर लाई थी घर के काम के लिए, पहले ही सिर चढ़ा था, पता नहीं उस दिन विदेश गए थे, कौन सा तंत्र मंत्र मार के ले आया है, वो तो कुछ काम करे ना, मेरा पति उसकी सेवा करे, पहले पति के लिए रोटी बनाऊं, फिर उसके लिए रोटी बनाऊं, काहे रखा है ऐसे नौकर को, निकाल बहन उसे घर से। हाँ ये तूने सही कहा, सहेली ने कहा उसे घर से निकाल। सुबह सुबह का समय, न जाने किस बात को लेकर रोष आया विद्यापति की पत्नी को, भागी भागी रसोई में गई, चूल्हा से जलती हुई लकड़ी उठाई और उदना को मारने दौड़िया, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आगे आगे शिव, पीछे पीछे विद्यापति की पत्नी। शिव डरे, माताओं से कौन ना डरे, सब डर। आगे आगे शिव, पीछे पीछे विद्यापति की पत्नी, पीछे पीछे विद्यापति जी, अरे रुक, अरे ठहर, अरे पागल मत बन, तू जानती नहीं है ये कौन है। भगवान शिव द्वार पर पहुंचे, पीछे पलटे, विद्यापति की ओर हाथ जोड़कर बोले हमारा और तुम्हारा संबंध यहीं तक का था, चलता हूँ। भगवान शिव चले गए। विद्यापति ने पूरी बात बताई, पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, इतना भी वर्णन आया पुस्तकों में। विद्यापति बौरा गए, जंगल जंगल ढूंढते हैं, मैथिली भाषा में कहते हैं उदना रे मोर कतई गेला, अरे ओ मेरे उदना तू कहां चला। बस यूं ही शिव को ढूंढते ढूंढते किसी दिन विद्यापति ने शरीर छोड़ दिया। प्रेम से कहो नमः शिवाय। काहे कंजूसी किस बात की है, कौन बात की कंजूसी है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम चर्चा कर रहे थे कि चंचुला शिव के पास पहुंची, यही कथा छोड़ी थी हमने, और भगवान शिव के उस भव्य स्वरूप का दर्शन करती करती चंचुला गाती है, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलती हूँ गुजारा हो तो ऐसा हो। मैंने जीवन के अंतिम भाग में किसी संत के कहने पर भजन किया तो मुझे तू मिल गया, पूरी जिंदगी भजन किया होता। और माताओं तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मित्र चार प्रकार के होते हैं, प्रिय सखा,
प्रिय नर्म सखा, सुकृत, सुहृत, ये चार प्रकार के सखा शास्त्रों में बताए गए, विशेषकर श्री श्री आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में। तुम अपने ऊपर ये बात लेकर देख लो, तुम्हारे 100-200-500 मित्र होंगे, वो क्या है? सखा। जस्ट मिले तो राम राम, ना मिले तो तुम अपने काम, वो अपने काम। दूसरे होते हैं प्रिय सखा, हाँ, जिनसे मिलना जुलना होता रहता है, मिलते हैं तो आनंद आता है, दो बात बतियाने में आनंद आता है। तीसरे होते हैं सुहृद, जो तुम्हारे दिल के बहुत प्रिय हैं। महाराज उनको तो हम खुद फोन करते, भले कुछ काम हो ना हो पर कर लेते हैं। चौथे होते हैं प्रिय नर्म सखा, जिन्हें तुम्हारी पूरी कुंडली पता है। होते हैं सबके जीवन में ऐसा एक मित्र अवश्य होता है, जिसे मतलब जिसके सामने तुम कोई पर्देदारी, कोई 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 छिपाव नहीं करते, जो तुम्हारे घर में उतने ही अधिकार से डोलेगा जितने अधिकार से वो अपने घर में डोलता, होता है ना। तो शास्त्र में वर्णन आया, पार्वती जी ने चंचुला को उस स्तर की सखी बनाया कि वो पार्वती जी के कमरा में है, दरवाजे पर नहीं है, महल में नहीं है, कमरा में है। पलंग पर पार्वती जी बैठती है तो वो पास में खड़ी होकर चर्चा करती है। एक दिन क्या हुआ, भगवती पार्वती शीशे के सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही थी, और भगवती का श्रृंगार कैसा है, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता, स्फुरत काची साटी पृथुकटी तटे आटकमयी, नमामि त्वां गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम। जिनके मुख में पान है, आप जानते हैं देवी की पूजा में पान जरूर लगता है, मीठा पान। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, दोनों आंखों में भगवती ने काजल डाला, काजल लागे किरकिरा सुरमा सयो न जाए, जिन नयनन में पीहु बसे दूजा कौन समझे। ललाटे काश्मीरम, माथे पर भगवती ने केसर का तिलक लगाया है, और विलसति गले मौक्तिक लता, देवी के गले में सुंदर सुंदर मोतियों की माला है, मोती समझते हैं आप लोग। स्फुरत काची साड़ी, हमारे हिमाचल में साड़ी का चलन थोड़ा कम है, पर आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत का जो विशुद्ध परिधान है वो साड़ी है, और कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में एक शहर आता है कांची, जहां की कांजीवरम की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो भगवती ने सुरत काची साटी, वहां की साड़ी भगवती ने पहनी है, जो भगवती की कमर के पास आकर पृथुकटि तटे आटकमयी, ऐसी भगवती पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। नमामि त्वां गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम, जो हिमालय की बेटी हैं, हम उन्हें लगातार प्रणाम करते हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। पास में चंचुला खड़ी है, बड़े आश्चर्य से भगवती को देखती है, अचानक देखते देखते चंचुला की आंखों से झरझर अश्रुबिंदु ढुलकने लगे। श्रृंगार करती करती पार्वती जी की दृष्टि चंचुला की ओर गई, अरे पगला गई है क्या? चंचुला बोली, माँ क्यों? पार्वती जी कहती हैं, कैलाश वो जहां आकर सारे दुख सारे आंसू खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तुझे कैलाश में आकर भी रोना पड़ रहा है, मेरे स्वामी का नाम खराब होगा, क्या हुआ? चंचुला से भगवती ने पूछा, आज सबसे पहले चंचुला देवी की स्तुति करती है, गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैहि सर्व सौख्य प्रदेशंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म विष्णु ब्रह्माद्विसेव्या सगुणा निर्गुणा पिच त्वमात्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी। देवी तुम सगुण भी हो, तुम निर्गुण भी हो, तुम शिव की शक्ति हो, सब सब दानव मानव देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम आदि हो आद्या, तुम प्रकृति हो और तुम सच्चिदानंद रूपी हो। मां मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवती ने कहा, मैं तेरी स्तुति से खूब प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगती है? चंचुला रोते रोते बोली, मां मैंने अपने जीवन में खूब पाप किए। अच्छा, पति मरे, कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं तीर्थ में आई? अच्छा, वहां भटकती भटकती किसी मंदिर में पहुंची, शिव पुराण की सेवा चल रही थी, कोई दिव्य संत बैठे थे,
मुझे कथा सुनने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, कुछ दिन भजन किया, मुझे आप मिली, मुझे भोलेनाथ मिले। भगवती कहती है रोने का कारण क्या है? चंचुला कहती है मेरे पति कहाँ है? मेरे माँ, मुझे तो अंत में आपका नाम, आपका भजन, शिव की माला मिल गई थी, मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया। भगवती मंद मंद मुस्कुरा उठी। भैया धन्य है भारत की स्त्री जो शिव लोक में पहुंच चुकी है, फिर भी ध्यान पति पर है। भगवती ने ध्यान लगाया। भगवती कहती है तेरा पति खूब नरकों में भटकने के बाद इस समय विंध्याचल पर्वत पर प्रेत है। क्या है? प्रेत। चंचुला कहती है कि पत्नी तुम्हारे साथ और पति प्रेत, बात नहीं जमेगी माँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारा नाम खराब है। माँ उन्हें मुक्त करो। भगवती पार्वती ने बुलाया तुम्बुरु को। अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उस शब्द को कहते हैं गंधर्व। ये देवताओं की कैटेगरी है, ये खूब गाने बजाने का काम करते हैं। इनके जो राजा हैं उनका नाम है तुम्बुरु, जिनका मुख घोड़े जैसा है। इधर आओ जी माँ, ये चंचुला है मेरी सखी, इसे साथ लेकर विंध्याचल पर्वत पर जाओ, इसका पति प्रेत बना है, उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ और यहाँ लेकर आओ। माताओं इस बात को गांठ बांध लो, परिवार में एक व्यक्ति भी भजन करता है तो उसका भजन पूरे परिवार की रक्षा करता है। और ये बात प्रमाण है। चंचुला जा चुकी है शिवलोक में, कैलाश पर शिव का ध्यान है, वहीं से प्रेरणा लेगी। आज बिंदु भी मुक्त होने वाला है। तुम्हारा पति भजन नहीं करता, न करे। तुम्हारा बेटा नहीं करता, न करे। भजन के चक्कर में, माला के चक्कर में घर में क्लेश होता है, होने दो, करो। कोई समय ऐसा आएगा जब भगवान एक एक को तुम्हारी माला के सामने झुका दे। बहुत जगह हम बहुत जगह ऐसा देखने में आता है कि महाराज पति खूब क्लेश करते हैं, माला करती है, तो भैया पति के दफ्तर जाने के बाद करो। ये माला नहीं कर सकते, भीतर की माला करो। कृष्ण 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 नमः शिवाय नमः शिवाय, इतना तो कर सकते हैं। करसे कर्म करो विधि नाना, मन राखो तहां कृपा निधाना। इतना हम कर सकते हैं कि हाथ शरीर संसार को दिया, मन परमात्मा को दिया। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुधरें, पहले तुमको सुधरना होगा। क्षमा करना, मेरी बात कड़वी लग सकती है। हमारे पास खूब शिकायतें आती हैं कि महाराज हमारे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, फोन नहीं छोड़ते। हम पहला सवाल पूछते हैं, अम्मा तुझसे छूटा? पहले तू छोड़, तू छोड़। भोजन बना रहे हैं तब फोन, कथा सुन रहे हैं तब फोन, हैं भोजन कर रहे हैं तब फोन, मंदिर जावेंगे तब फोन। और सबसे गजब की बात, खुद तो पंडाल में बैठ के कथा नहीं सुनेंगे, दूजों को दिखावेंगे हम कथा में। अरे अम्मा तू तो सुन, पहले तू तो सुन, वो सुन। मेरी बात खड़वी लग सकती है, क्षमा, पर सच सच बताना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मजा आता है या फोन पे? वो भी तब जब उसने कैमरा अपनी ओर किया होता। मेरा निवेदन है सभी श्रोताओं से, भजन को फ्लेक्सिबल मत करो, भजन में शॉर्टकट मत लो। पूरा दिन 24 में से 24 घंटे तुम संसार को देते हो परमात्मा के लिए, क्या 10 मिनट बैठो? पर ऐसे बैठो कि परमात्मा को पता है ये 10 मिनट सिर्फ मेरे। प्रेम से कहो नमः शिवाय, चलो गुस्से से कहो नमः शिवाय। गुस्से वालों ने अब बोला, देखो भैया कथा प्रस्तुत करने का थोड़ा अलग तरीका है। बहुत से श्रोता यहाँ ऐसे बैठे हैं जो हमें पहले भी सुन चुके हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। आप हमको जानते हैं नहीं जानते हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं। हम शिव का भजन गाने आए हैं, तुम उस भजन को सुनने आए हो, बस इतना सा बहुत। किसी कथावाचक को कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यासपीठ पर बैठकर श्रोताओं का समय बर्बाद करे।
और तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम पंडाल में आकर खुद कथा सुनो ना, बगल वाली को सुनने दो ना। छोड़ मुझे, रोज होती रहती कथा, तू सुना। तुम्हारा मन ना लगे, खुशी खुशी पंडाल से जा सकते हो, पर जो कथा सुन रहा है उसे सुनने। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज नारद जी विंध्याचल पर्वत, क्षमा चाहूंगा, तुम गुरु जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे चंचुला के साथ, तो क्या देखा? चंचुला का पति एक भयानक प्रेत है, भयंकर, राम राम। और भैया उसका स्वरूप इतना भयानक है कि अच्छा खासा भजन करने वाला व्यक्ति डर जाए। अब आप लोग जानते हैं, ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे आप लोगों ने धुंधुकारी की कथा सुनी है। गोकर्ण कथा सुनाने लगे, धुंधुकारी टिका नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रेत होता है उसका शरीर दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक वायु तत्व, एक आकाश तत्व। यही कारण है कि जो प्रेत आदि होते हैं वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें किसी के शरीर का सहारा लेना पड़ता है। उधर धुंधुकारी बांस में बैठकर कथा सुनता है, सुनी थी ना आप लोगों ने, खूब भागवत सुनी है। इधर जब बिंदुक बैठकर कथा नहीं सुन रहा, तुम गुरु जी ने मंत्र चलाया, मंत्र से उसे बांधा, वो बैठा। और दर्शन करो माताओं, शिवपुराण की पहली कथा संगीतमय हुई है। तुम गुरुजी हाथ में वीणा लेकर शिव पुराण गाते हैं, गाते हैं। आहा, एक तरफ चंचुला, एक तरफ बिंदुग, पीछे लाखों लाख श्रोता उमड़े हैं कथा सुनने के लिए। और श्री तुम गुरुजी महाराज बड़े भाव से भगवान शिव की गाथा गा रहे हैं। और बिंदुग बड़ी तटस्थता के साथ कथा सुन रहा है। कथा समाप्त हुई और करो दर्शन, आज बिंदुक का वो प्रेत शरीर छूट गया, दिव्य रूप धारण किया और सीधे जाकर कैलाशपति भगवान शिव के चरणों में पहुंचा। माताओं पहला दिन है शिव पुराण का, कुछ बातें आज ही स्पष्ट कर दूं। शिव पुराण के अनुसार रुद्र अलग है, महेश अलग है, शिव अलग है। शिव पुराण के अनुसार सबसे ऊपर की स्थिति किसकी मानी गई? शिव की। शिव पांच मुख वाले हैं, दस हाथ वाले हैं, पंद्रह नेत्र वाले हैं। ध्याये नित्यं महेशं रतिर्निभं चारुचंद्रार्पतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः अमरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं। कहीं कहीं शब्द आया है विश्वबीजं, जिस विश्व के बीज हैं। निखिल भय हरं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का भय हरने वाले हैं। कैसे हैं? पंचवक्त्रं, पांच मुख वाले, त्रिनेत्रं, पांच गुना तीन पंद्रह। तो ध्यान रखना, शिव पांच मुख वाले, दस हाथ वाले, पंद्रह नेत्र वाले। और जब 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 उस शिव के सामने आज बिंदुग पहुंचा है, बिंदुग ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम भगवती पार्वती को किया और कहीं ना कहीं प्रणाम भीतर से अपनी पत्नी को भी किया। तेरा भजन मुझे प्रेत योनि से यहां तो लाया ही लाया, जिस शिव का मैंने नाम नहीं लिया वो शिव मेरे सामने। बोलिए उमापति महादेव की। आज यहां श्री शिव पुराण महात्म्य का अंतिम अध्याय कहता है कि शिव पुराण की कथा आप लोग करवाएं, पर कैसे? तो सबसे पहली शर्त क्या रखी शिव पुराण के लिए? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, कि जितना खर्चा तुम शादी में करती हो ना, उतना ही कथा में होना चाहिए। यहां तो उल्टा होता है। कथा में देने के लिए धोती भी ढूंढने जाएंगे, सस्ती वाली देना, पंडित जी को देनी है। तुम ना नहीं कर सकते। केला ये कैसे दे 60 रुपए, ये कैसे 40-40 वाले दे? बोलो हाँ या ना। मंदिर में जाएंगे तो पर्स में सबसे छोटा नोट ढूंढेंगे,
फिर गाएंगे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट कष्ट। और कभी कभी लोग तो ऐसी माया मंदिरों में चढ़ाते हैं, साधु संतों के पास चढ़ाते हैं ऐसे नोट कि बैंक वाले भी बोले कि हमने नहीं छापा। हमारी माताओं ने ना घर में एक एक डिब्बा रखा होता है, तुम नहीं, तुम तो बढ़िया वाली हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पंडाल में नहीं है। तो जो भी कटा फटा नोट है दे डिब्बा में, और वो कब निकलेगा, जो मंदिर जाना हो, किसी साधु संत महात्मा के पास जाना हो। एक बार कहीं कथा सेवा थी, एक नोट आया, हमने अभी तक फ्रेम करा के रखा। अब आप लोग बोलेंगे महाराज फ्रेम बिल्कुल फ्रेम करने जैसा था, क्योंकि प्रेम करने लायक तो नहीं था। और भैया गजब की चीज थी, बीच में लगी टेप, इधर 10 का इधर 20 का। अब तुम बताओ वो 15 का या 30 का। अतः शिव कहते हैं मुझे भक्ति भाव से जाना जा सकता है। पर भैया देखो, मान लो इतना बड़ा अनुष्ठान होना है तो तुम जानते हो जहां धन लगना है वहां लगेगा ही लगेगा। तो पहली कथा करवाने की शर्त क्या रखी, विवाह ही यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, कि जितनी भैया यहाँ बात पैसा की नहीं है, यहाँ मैं सीधा सा आपको भाव कहूँ कि जितना उत्साह हमारे मन में घर में शादी के लिए होता है उतना कथा के लिए नहीं होता, होना चाहिए, होना चाहिए। कथा में भव्यता हो ना हो, दिव्यता हो, कथा में भले ही 40 लोग आए कथा सुनने, पर वो शांति से सुने, शांति से महाप्रसाद पाए, खूब आनंद ले। फिर प्रश्न उठता है कि क्या कथा करवाने के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। अब इसके पीछे दो पक्ष आते हैं। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। निष्काम कोई करवाता नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज निष्काम बिल्कुल नहीं है। धन वृद्ध्यर्थम आदि व्याधि निवारणार्थम अहम करिष्ये कामना, ऐसा होता है। कुछ नहीं करना जब आप लोग सकाम यज्ञ करो, जब आपके घर में किसी कामना के लिए कथा हो, मेरा निवेदन मुहूर्त आदि देखा करो। मातो एक मजे की बात कहूं तुम्हें, तुम सब लोगों ने एक लाइन रट के रखी, महाराज इतने यज्ञ इतनी कथाएं होती हैं, फल तो मिलता है नहीं। हाँ सारा भांडा फोड़ेंगे पंडित जी कैसे रुके। मैं बताऊं तुम्हें कोई यज्ञ फलता क्यों नहीं है, तो ध्यान से समझना। शास्त्र कहते हैं किसी यज्ञ को पूर्ण होने में 3 चीजें लगती हैं, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि। मंत्र शुद्धि पंडित जी के हाथ में कि वो मंत्र शुद्ध बोले, पर जो बाकी 2 चीजें हैं वो यजमान के हाथ में है। पहली आई द्रव्य शुद्धि, द्रव्य यानी पैसा सामग्री शुद्ध हो। बोलूंगा नहीं, तुम सब समझते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। और तीसरा भाव शुद्धि, भाव शुद्ध हो। पूजन करते करते 3 घंटे पंडित जी कल से थोड़ा जल्दी करवाना, भाव नहीं है। यज्ञ कहां से फलीभूत होंगे भैया, जैसे कथा 2 का काम है श्रोता और वक्ता, उसी प्रकार यज्ञ और अनुष्ठान भी ब्राह्मण और यजमान 2 का काम है, एक से नहीं होगा। एक मंत्र में शुद्धि रखे, दूसरा भाव में शुद्धि रखे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम घर में सत्यनारायण की कथा भी करवाओगे वो भी लगेगी, लगे। पर भाव शुद्धि रखनी। फिर यहां बात आई कि कथा के लिए आप जो पंडाल बनाए वो सुंदर हो, भव्य हो, विशाल हो। विशाल क्यों कहा गया, बहुत बार कथाओं में आपने भी ऐसा देखा होगा कि कथा में लोगों का वेग ऐसा आता है कि पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो, कोई भी श्रोता आए वो शांति से बैठकर कथा सुने। और मुझे भगवान वेदव्यास की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कथा सुनने वालों के लक्षण बाद में बताते हैं, पहले कथा बोलने वाले के लक्षण बताते हैं। एक शब्द कहने जा रहा हूं, हो सकता है उस पर विवाद हो, पर मैं केवल शास्त्र की बात कहूंगा, शास्त्र मेरे सामने है। एक प्रश्न उठता है कि महाराज केवल पंडित जी ही कथा काय करें, कोई भी कर सकता है। आप अच्छे से समझते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। भैया भजन करने में, कीर्तन करने में शास्त्र किसी को मना नहीं करते, यहां तक कि माला करने में और शिव का पूजन करने में भी किसी को मना नहीं करते, पर जब गद्दी पर बैठकर प्रवचन करने की बात है शास्त्र नियम लगाते हैं।
कथावाचक के लिए आया कि कथावाचक विप्र हो, विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण माँ ब्राह्मण पिता के घर जो बालक जन्मा वो कहलाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण माँ और ब्राह्मण पिता यानी रक्त शुद्धि भी आवश्यक है। आजकल नहीं जो विवाह के नाम पर मर्यादाएं टूट रही हैं। ब्राह्मण माँ ब्राह्मण पिता के घर जो बालक जन्मेगा वो कहलाएगा ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के कान में जब गुरु गायत्री मंत्र फूंकेगा वो कहलाएगा द्विज, और वो द्विज जब गुरु के चरणों में बैठकर वेद पढ़ेगा शास्त्र पढ़ेगा वो कहलाएगा विप्र। संभवतः हर ब्राह्मण भी व्यासपीठ का अधिकारी नहीं। नाम से शर्मा चौबे शुक्ला दुबे नहीं, रक्त शुद्धि आवश्यक हो और शास्त्र का पढ़ा हो गुरु के चरणों में बैठकर। अब आप लोग कई बार क्या होता है ना भैया, आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि महाराज भगवान तो भाव देखता है उच्चारण नहीं देखता, देखता है। यदि मंत्र अशुद्ध भी काम करते तो भगवान मंत्र क्यों बनाते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया। पंडित जी शादी नहीं होती क्या करूं, पंडित जी ने बोला रोज चंडी कवच कर। दुर्गा सप्तशती में आया है चंडी कवच, वो रोज चंडी कवच पढ़ता। शादी हुई, पत्नी दूसरे दिन मर गई। भागा भागा पंडित जी के पास गया कि पंडित जी शादी तो हुई पर पत्नी तो, कोई ना भैया एक बार और चंडी कवच का अनुष्ठान कर। दूसरी बार रोज वो दुर्गा कवच का पाठ करता, शादी हुई पत्नी। तीजी बार भी किया, शादी हुई पत्नी। अब की बार गुस्से में दुर्गा सप्तशती की पोथी उठाई, गंगा जी में फेंकने गया। जैसे ही गंगा जी में डालने लगा भगवती ने प्रकट होकर कहा क्या कर रहा है। कहा माँ हर बार तुझसे पत्नी मांगी, हर बार तूने शादी कराई पर पत्नी मर गई। भगवती बोली सारी गलती तेरी। व्यक्ति बोला मेरी क्या गलती। माँ बोली दुर्गा सप्तशती में पंक्ति है भार्याम रक्षतु भैरवी, कि भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। तू रोज बोलता था भार्याम भक्षतु भैरवी, मेरी पत्नी को भैरवी देवी खाएं। अर्थ का अनर्थ हुआ। तो मैं तुमसे निवेदन करूं ज्यादा मंत्रों के स्तोत्रों के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप राम राम कृष्ण कृष्ण बोल के मना लो मत पड़ो। क्योंकि जहां मंत्र आएगा वहां मर्यादा आएगी, जहां मंत्र आएगा वहां नियम आएगा, जहां मंत्र आएगा वहां पवित्रता लगेगी। और एक दूसरा निवेदन करूं तुमसे, और ये बात मुझे हर व्यासपीठ से कहनी है, मेरा निवेदन, आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, हर दूसरे दिन आपको फेसबुक इंस्टा पर कोई मंत्र दिखता है उसे उठाकर जपने मत लगा कर। ये हमारे नाश का बहुत बड़ा कारण है वर्तमान। जो मंत्र देखा किसी ने लिखा इस मंत्र को पढ़ने से 7 दिन में बने करोड़पति, लग गए जपने। पहली बात, लिखने वाले ने वो मंत्र शुद्ध भी लिखा है। उस मंत्र का देवता कौन, ऋषि कौन, छंद कौन, कीलक कौन, बीज कौन, तुम्हें पता है। नहीं कुछ मत करो, जिस रास्ता पर चलकर तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा तुम्हारे परदादा भजन करते आए हैं उसी रास्ता पे चलो, नए चक्कर में मत पड़ फंसोगे। बोलो उमापति महादेव की। पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शांतो विजितमत्सरः साधु कारुण्यवान वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम्। पहली शर्त रखी कथावाचक के लिए, जिसे पुराण का पता हो वो कथा करे। दक्ष हो, एक्सपर्ट हो। यहां भैया दक्ष का अर्थ क्या है, कि पंडाल में अनपढ़ व्यक्ति बैठे या पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठे, कथावाचक की कथा हर व्यक्ति को छुए आदि, यहां लक्षण है। फिर कथा सुनने वालों के लिए लक्षण दिए। पहला लक्षण तुम लोगों के लिए, हो सके कथावाचक के व्यासपीठ पर आने से पहले आओ, कथा के बाद जाओ। हो सके एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए, पर शास्त्र में एक और बड़ी सुंदर बात लिखी कि यदि एक समय भोजन करके कथा नहीं सुनी जाती तो उससे अच्छा भोजन है जो कथा सुनाए। पर भोजन इतना नहीं करना कि कथा में आए और गए। गए का मतलब तुम्हें भी पता है, और गए तो गए, ऐसा ना हो कथा सुनते सुनते तुम्हारे खर्राटे बगल वाले के कान में जाने लगे। ना ना, इतना नहीं हो, सुपाच्य हल्का भोजन, लघ्वाहार।
ब्राह्मण पूजन हो, कन्या पूजन हो, यज्ञ हो, कीर्तन हो, बहुत लंबी चौड़ी परिपाटी है। और एक बड़ी सुंदर बात यहाँ शिव पुराण कहता है, कभी भी कथा की और वक्ता की निंदा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कथा पसंद न आए, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें खटके, मत जाओ, पर अब शब्द ना बोलो। कारण उसे मंच पर बिठाने वाले हम और उसका पूजन करते समय व्यासाय विष्णु रूपाय बोलने वाले हम, क्योंकि प्रवक्ता की निंदा स्पष्ट शब्दों में शिव की निंदा है, विष्णु की मत कर। कोई आपको बात अटपटी लगे तो आप प्रत्यक्ष रूप में जाकर वक्ता से मिलें, कोई बंधन नहीं है उसमें, पर शास्त्र की निंदा ना। प्रेम से कहो नमः शिवाय। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात भगवान शिव कहते हैं कि जिन स्त्रियों को संतान में बाधा हो, यहाँ शिव पुराण के आधार से ही कह रहा हूँ, संतान ना होती हो, एक संतान होकर रह गई हो, बार बार गर्भ गिरता हो, बच्चे बीमार रहते हो, बच्चे उन्नति ना कर पा रहे हो, उन्हें विशेष कामना के साथ ये कथा सुननी चाहिए। आज पहला दिन है, मैं तुमसे कह रहा हूँ शिव से कुछ मांगो, आज मांगो और संकल्प लो कि प्रभु तू ये देना, हम पूरी 11 दिन की कथा सुनेंगे। पर मैं 11 दिन का बंधन नहीं लगाऊंगा, जितना तुम्हें समय लगे सुनो, पर ईमानदारी के साथ। जब पंडाल में आओ तो इस तो पंडाल में सिर्फ दो ही व्यक्ति बैठे, तुम एक, तुम्हारे शिव, तीसरा ये कथा सबके लिए है। शास्त्र ने जाति का कोई बंधन नहीं लगाया सुनने के लिए, सबके लिए। रोज कथा सुने भैया, आजकल के समय में तो ऐसा है कि आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कितनी कथाएं सुन सकते हैं। रोज भगवान का नाम सुने। और शास्त्र कहते हैं श्रावण में सुनी गई कथा, माघ में सुनी गई कथा और भादों में सुनी गई कथा विशेष फल देती है। इन महीनों में किया गया दान विशेष फल देता है। और दान आप जानते हैं बहुत प्रकार, केवल धन को ही देना दान नहीं कहते। इन महीनों में आपने किसी को जल भी पिला दिया, वो दान है। भले आपने किसी गैया को या किसी रास्ता पर चलते हुए किसी पशु को जल पिला दिया, वो दान है। और भैया शिव पुराण में तो एक बड़ी सुंदर बात आई, कई बार ये प्रश्न तुम्हारे मन में भी आता होगा कि महाराज गाय को रोटी देने से पुण्य मिलता है, क्या कुत्ता को देने से भी पुण्य मिलता है? तो शिव पुराण में बड़ी सुंदर बात आई, अपि स्वपाके शुनिवा नान्न दानम प्रणश्यति, कि कुत्ते तक को दिया गया अन्न दान फल देता। मैंने कह रहा शिव पुराण की पंक्ति है, अपि स्वपाके शुनि, अपि स्वपाके शुनिवा नान्न दानम प्रणश्यति, यानी तुमने किसी अनजान व्यक्ति को भी अन्न का दान दिया वो तुम्हें फल देगा ही देगा। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, बेटा खूब दूर रहता था, तो रोज बेटे की याद में दो तीन बढ़िया बढ़िया पतली पतली रोटी बनाकर खिड़की पर रखती और एक व्यक्ति रोज आता उन रोटियों को उठाता और खा लेता। धीरे धीरे इसे चिढ़ मचने लगी कि रोज यही क्यों उठा के लेके जाता है, किसी और को तो मौका नहीं मिलता। एक दिन उसे गुस्सा आया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने तीन रोटियां बनाई, तीनों में जहर मिला दिया, छोड़ूंगी नहीं आज इसे। वो खिड़की पर रखती। कुछ देर बाद वो व्यक्ति रोटी उठाने आया, जैसे ही रोटी उठाने लगा न जाने उस स्त्री के भीतर क्या भाव है, भागी भागी गई, उसके हाथ से वो रोटी छीनकर फेंक दी, नई तीन रोटियां बनाकर दी। और जब वो गया इसे बड़ी संतुष्टि हुई कि भगवान तूने पाप होने से बचा लिया। शाम हुई, हाफता हाफता बेटा आया, बेटा खूब थका हुआ था। माँ ने पूछा बेटा तू अचानक आया, कोई संदेश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कहाँ मैं आता आता जंगल में भटक गया, खूब भूख लगी थी, मरने वाला था, कोई अनजान सा व्यक्ति आया, उसने मुझे तीन रोटियां दी। और माँ उन रोटियों का स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा तू बनाती है। स्त्री का माथा ठनका, जिसने रोटी दी वो कैसा था? कहा माँ वो देखने में ऐसा ऐसा था, बिल्कुल वही व्यक्ति जो रोटी उठा कर लेकर जाता है। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए, यदि जहर वाली रोटियां चली जाती ये मेरे पुत्र को देता, मृत्यु मेरे पुत्र की। भैया अन्नदान दो, पहले की परंपरा थी कि रोज एक मुट्ठी में चावल भरकर आटा भरकर चींटियों को डालते थे, चिड़िया को डालते थे, वो अन्नदान है।
और यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक आया, ये जन्म भाज खलु जीव लोके ये वै सदा ध्यायति विश्वनाथम वाणी गुणान स्तौति कथां श्रृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। वो लोग इस संसार में भाग्य वाले हैं जो निश्चित रूप से भगवान की कथा सुनते हैं, जिनके कान भगवान की कथा सुनते हैं वो अवश्य इस भवसागर से पार होते हैं। बोलिए शिव महापुराण की। बोलिए उमापति महादेव की। यहां से भैया शिव पुराण की मूल कथा आरंभ होती है। मूल, इससे पहले तो महात्मा, जैसे आप लोग भागवत से पहले महात्मा सुनते हैं ना, सुनते हैं नहीं सुनते वो तुम जानो, हमने तो सुना ही दिया। हाँ, क्योंकि बहुत से श्रोताओं को मैं देख रहा हूँ बड़े गुस्से में बैठे हैं, पंडा यूं देख रहे हैं। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ पहली संहिता के पहले अध्याय का पहला श्लोक आया है जिसमें शिव को प्रणाम किया गया। आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीश मजरा मरहमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर मम्बिकेशम। थोड़ा निवेदन है, कथा थोड़ी गूढ़ की ओर जाएगी क्योंकि हमें चटपटी कथा सुनने की आदत है और शिव पुराण में चटपटापन थोड़ा कम है। मैं कि शिव पुराण में ना कोई टोकरी में बैठ के आएगा आनंद घर आनंद घर, ना माखन चोरी की लीला हो, और खासकर हमारे सुंदरनगर मंडी की माताएं तो बस तैयार बैठती हैं ढोलक पे थापड़ी की माताएं उठी, कोई मना ही नहीं है उस चीज के लिए। पर माताओं मेरी बात को अन्यथा मत लेना, जब से कथाएं नाच बनी तब से कथाओं का नाश हुआ। जब हम लोग बस यही सोच के आते कि महाराज नाच में मजा आ जाए, महाराज हमने तो कहावत भी बना ली, राम नाम दा गिद्दा चाहे पुट्ठा चाहे सीधा, हमने तो कहावत तक बना ली। नहीं, नाचने को व्यासपीठ कभी मना नहीं करती, जब भीतर से भाव बने तो नाचो। शिव नाचे, कृष्ण नाचे, दुर्गा नाची, पर वो नाचना भीतर का, जबरदस्ती नहीं है। कई जगह तो हम ऐसी जगह कथा करने जाते कि लोग आरती पे भी नाचने लग जाते, जय जगदीश। अरे भैया, सही है ना, नाच। और मैं देखो दर्शन करने, तुम जिसकी कथा सुन रहे हो ना, इनका एक नाम है नटराज, नृत्य के देवता हैं, नाचने पर कोई मना नहीं। भैया हमारे ब्रज के संत एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब तुमसे पंडाल में बैठना मुश्किल हो जाए, मन करे कि बस बैठ, वो समय होता है कि जब तुम उठो, जब तुम नाचो, जब तुम्हें बस ये ध्यान हो कि हमने कृष्ण के लिए नाचना है, शिव के लिए नाचना है, जब इधर वाली पर भी ध्यान है, उधर वाली पर भी ध्यान है, इसको भी उठाएंगे, उठ मुझे मेरे साथ नाच, नहीं वो गलत। ऐसा होता है, तुम भी सी मंडी के हो, मैं भी सी मंडी का हूं, ऐसा खूब होता है, ऐसा ना। कथाएं बिगाड़ी हमने, सुधारेंगे भी हम। मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, आपका हारमोनियम कहाँ है? क्या बिना हारमोनियम की कथा नहीं हो सकती? कथावाचक को यहां ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। बोलिए उमापति महादेव की। आओ, मैं कथा की यात्रा में तुम्हें प्रवेश कराऊं, उससे पहले दो क्षण के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव
रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबल पञ्च विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। यह शिव का स्वरूप समझो। शिव पुराण का पहला श्लोक कह रहा है आद्यंत मंगल, जो शुरुआत में भी मंगल है, बीच में भी मंगल है, अंत में भी मंगल है, आदि से अंत तक जो मंगल है। कौन? शिव। समान भाव, जो सबके प्रति समान भाव रखते हैं, और एकमात्र देवता शंकर ही ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते। अब आप लोग सोचेंगे बाकी देवता करते हैं, कर भी लेते होंगे, पर भगवान शिव के विषय में जितनी कथाएं देखने में आती हैं, समान भाव रखते हैं सबके प्रति। अजात है, उनकी कोई जाति नहीं है, वो अजन्मा है। आर्यम तमीशम अजरामरम आत्मदेवम। अच्छा ध्यान से सुनना मेरी माताओं, यहां एक बड़ा सुंदर शब्द आया जो तुमने खूब सुना होगा, अजर अमर। बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। कोई भी वरदान मांगता है, राक्षस देवता क्या मांगता है कि हम अजर होएं, हम अमर हों। अब अमर तो सब समझ आता है कि हम न मरे। अब ये अजर क्या है ध्यान से समझना। जर कहते हैं बुढ़ापे को, जर कहते हैं बुढ़ापे को। तो क्या वरदान मांगा? अजर। मान लो व्यक्ति अमर तो हो पर खटिया पे पड़ा सुबह से शाम तक खांसता रहे, बेचारा उस अमरता का क्या करेगा? शायद यही ही कारण है कि वो मांगते हैं। यही कारण है शिव को भी कहा गया अजर अमर। आर्यम तमीशम अजरामरम आत्मदेव, आत्मदेव है वो, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अथवा उन्हें आत्मा के द्वारा पाया जा सकता है, अथवा सदा वसंतम हृदयारविंदे पंचाननम, जिनके पांच मुख हैं, प्रबल पंच विनोदशीलम। अच्छा आपने सुना होगा कि भगवान धरती को बनाते हैं, पालन करते हैं और नष्ट करते हैं, पर शिव पुराण में इसके बाद दो चीजें और कही गई। शिव संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, नष्ट करते हैं, तिरोभाव करते हैं और अनुग्रह करते हैं। ये क्या है समझेंगे आने वाले समय।
और प्रबल पंच विनोदशीलम, ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए खेल है। कैसे? क्षमा करना माताओं, यहां थोड़ी देर के लिए कथा थोड़ी भारी होगी, समझ लेना, क्योंकि मैंने कहा ये रस वाला शिव नहीं है, ये योग वाला शिव है। जैसे भागवत का पहला शब्द, पहला श्लोक कहता है यतोन वयाद करत, अन्वयादि से भगवान को समझा जा सकता है। अच्छा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, शास्त्रों में भगवान की तुलना की जाती है मकड़ी से। मकड़ी होती है, अरे भगवान को सिंह कहते, कोई बढ़िया वाला पशु कहते, भगवान को मकड़ी क्यों कहा? इसलिए जैसे मकड़ी जाल को बनाने के लिए बाहर से कोई चीज, जाल मकड़ी के भीतर से आता है, मकड़ी उस पर कई प्रकार के जाल बनाकर खेल करती है, उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, ये भगवान से बना है। पर भगवान ने बाहर से कोई रॉ मटेरियल नहीं लिया कि भगवान ने कहीं से कोई, भगवान के भीतर से ही निकला है। अच्छा, आपने कई बार अनुभव किया होगा कि कोई मकड़ी एक पतला सा वो जाले की तार से नीचे आती है ना, आप उसे हल्का सा छू तो बड़ी तेज गति से ऊपर जाती है। जब वो ऊपर जाती है, वो उस जाल को निगलती हुई ऊपर जाती है। भगवान ने ब्रह्मांड को अपने भीतर से बनाया, वो बना, जब भगवान उसे निगल गए, उसे ही हम लोग प्रलय कहते हैं। बेसिक शब्दों में समझा रहा, मुश्किल है ना? जो कथाएं वर्तमान में मजाक बनी है ना, इसी कारण तुम लोगों को विषय सुनने कठिन हो चुके। भैया शिव पुराण टोना टोटका का ग्रंथ नहीं है, मैं बहुत वर्षों से इस बात को कहता हूं, फिर से कहूंगा, न हो मेरी बात का विश्वास, 250-300 रुपए का हिंदी का शिव पुराण मिल जाएगा, पढ़ लेना, टोना टोटका का ग्रंथ नहीं है शिव पुराण, कहीं मिले तो हमको बताना। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि कैलाश के पर्वत पर बैठकर भगवती पार्वती से बातचीत करते हुए शिव ये बताएंगे कि मुझ पर बिल्व पत्र ऐसे चढ़ाओ तो ये मिलेगा? शिव ये बताते होंगे मुझ पर दूध, मुझ पर घी ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाओ, सीधे नहीं, उल्टे नहीं? भैया, जब शिव और पार्वती आपस में बात करते हैं, शिव पार्वती संवादे रुद्रयामल ग्रंथ की रचना होती है, महाकाल संहिता की रचना होती है, सुनने वाला शंकर, सुनने वाली पार्वती, तो जो दोनों की बातचीत होगी वो भी गजब होगी। शिव पुराण का अपमान ना हो, मजाक ना हो, जो बन रहा है ना हो। प्रेम से कहिए नमः शिवाय। भैया मैं देखो अपनी व्यासपीठ की, अपनी कथा की बात करूंगा, मैं किसी के विषय में नहीं कह रहा, पर मुझे दुख होता है, क्षमा करना माताओं, होता क्या है, हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई नकली बाबा पकड़ा जाता है, होता है ना? कारण कौन? तुम माताओं, तुम भाइयों की भीड़ नहीं मिलेगी, बस किसी भी महाराज का मेकअप बढ़िया लगा तो दे महाराज। दो हफ्ते पहले घटना हुई उत्तर प्रदेश में, मैं कोई 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 मैं विवाद की बात नहीं कह रहा, 125 के आसपास लोग मरे, उनमें जिनमें 115 के आसपास माताएं थी, और जो बची वो क्या बोलती, काश हम भी मर गई होती, हम गुरुजी के लिए क्यों नहीं मरे। भक्ति है पागलपन, इतनी डेडिकेशन कभी अपनी सास के लिए नहीं आएगी, आश्रम में जाकर गुरुजी के चरण दबाएंगे, सास को पानी नहीं पूछेंगे, सास भले ही बेचारी बिस्तर पर पड़ी पड़ी पानी के लिए मर जाए, नहीं, ये तो बाबा जी के ही जाएंगे। गलती किसकी? तुम्हारी। तुम्हें किसी साधु ने नहीं ठगा, तुम स्वयं ठगाने जाती हो। कारण क्या है? हम लोगों को किसी भी अपशब्द कहने वाले व्यक्ति पर भरोसा है, मैं शास्त्र की बात कहूंगा तुम्हें पचेगी नहीं। हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं, रहने दो भैया गुरुजी को, ये देखो कि शास्त्र क्या कहता है। बस तुम्हारे गुरुजी भी शास्त्र वाले होंगे, हम भी शास्त्र की बात कर रहे हैं, और दोनों की बातें यदि अलग हैं तो मान लेना कि शास्त्र के आधार पर एक व्यक्ति गलत निकलेगा। मेरी बात कड़वी है, क्षमा करना, पर मुझे दुख होता है देखकर, कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा, मैया हम तेरा भविष्य बताएंगे, तुम घर के भीतर लाओगी, फिर वो किसी दवा का प्रयोग करेगा, गहने लूट कर ले जाएगा, फिर तुम रोगे। गलती किसकी? क्योंकि हमने शास्त्रों में आज तक नहीं पढ़ा कि संत की परिपाटी क्या होती है।
शास्त्र कहते हैं संत का सत्कार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा है। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दो। क्षमा करना नहीं। यदि किसी गुरुजी के पास तुम गई, गुरुजी ने तुमको इतनी बड़ी तुम्हारी फोटो दी कि बेटा इस पे धूप बत्ती कर लेना, मान लेना कि गलत रास्ता में हो तुम, किसी भी दूसरे घर में चले जाओ। गुरुजी की यूं फोटो मिलती है, क्यों? इन्होंने भी किसी दिन शरीर छोड़ना है, इन्होंने भी पंच तत्व में विलीन होना है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एको सिमरो नानका जो जल थल रया समाए, दूजा का है सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। गुरु वो है जो तुम्हें परमात्मा का रास्ता बताकर खुद पीछे हो जाए। मेरी बात अटपटी हो सकती है, क्षमा करना माताओं, पर निवेदन है, अपनी भक्ति की दौलत लुटने मत दो। और जब हम लोग कहते हैं ना कि महाराज हम ना गुरु जी को ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढो, क्योंकि तुम गुरु अपने टेस्ट का ढूंढोगे वो तुम्हारे जैसा ही निकलेगा, क्योंकि तुम्हें वो गुरु अच्छा लगेगा ही नहीं जो बोलेगा सुबह 4 बजे उठो, 16 माला करो, एकादशी का व्रत करो, ये नहीं बेटा 10 बजे तक सो, ये गुरुजी बढ़िया, हाँ खूब बढ़िया, शराब भी पीने मीट भी खा, यही वाले गुरुजी चाहिए। रुक जाओ, हमें गुरु अपने मेन्यू कार्ड के हिसाब से, हम गुरु नहीं ढूंढने जा रहे, हम बस ऐसा समझ लो अपनी बेटी के लिए कोई दुल्हा ढूंढने जा रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नहीं, भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हो तुम्हें गुरु को ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, गुरु तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास। क्या ऐसा होता है कि गुरु भी शिष्य को ढूंढता है? बिल्कुल ढूंढता है। मीरा नहीं गई रविदास के पास, रविदास आए मीरा के पास। रामकृष्ण परमहंस आए विवेकानंद के पास। प्यास बढ़ाओ, प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। समस्या पता क्या है? हम लोगों को झूठ सुनने की आदत है, हमें झूठ सुनना अच्छा लगता है। कोई शास्त्र की बात करेगा हमें नहीं पसंद आएगा, भैया मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, मत पढ़ो बहुत ज्यादा चक्कर में। किसी ने मंत्र बता दिया करने लगे मत करो, किसी ने व्रत बता दिया सुन लिया करने लगे मत करो, जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया जैसा बचपन से, बस उसी रास्ता पे चलो, ठीक है, सीधा सीधा है, ठीक है, मिलने में थोड़ा समय लगेगा पर ठीक है, कम से कम रास्ता भगवान की ओर जा तो रहा है, जो रास्ता भगवान की ओर पहुंचे ही ना उस पर जाकर तुम करोगी क्या? प्रेम से कहो नमः शिवाय। हाँ मुझे पता है अब आवाज नहीं आएगी, नमः शिवाय आई। भैया देखो, यदि व्यासपीठ से कोई डांट पड़ती है, ये डांट नहीं है, बस दुख होता है देखकर कि हम लोग शास्त्र पर पैर रखकर शास्त्र की भक्ति करना चाहते। जैसे एक प्रश्न बहुत आता है कि महाराज मासिक धर्म में भगवान की सेवा क्यों नहीं कर सकती, हम तो करेंगे, वो भक्ति नहीं है, वो पागलपन है। तुम शास्त्र पर पैर रखकर उस कृष्ण की भक्ति करना चाहती हो जो कृष्ण शास्त्र में कहता है कि जब शरीर में मासिक चक्र चल रहा हो तो मर्यादा रखो। यहां श्री व्यास जी और सूत जी का संवाद आया है, और श्री सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और तुम्हें शिव की कथा सुनाने जा रहा हूं। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। कि जो इस शिव पुराण का आधा श्लोक भी, और मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं माताओं, इस शिव पुराण के कुछ मंत्र ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं, दो तो तुम सबको आते होंगे। पहला नमः शिवाय,
और दूसरा त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ये भी शिव पुराण में आया है, चर्चा करें। और शिव पुराण कहता है कि जो शिव पुराण के आधे श्लोक से आधा आधा ही बनता है नमः शिवाय, वैसे तो आधे से भी कम बनता है, पर इसे रोज जपो, ज्यादा नहीं कर सकती, रोज जब धूपबत्ती करने बैठो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 11 बार किया काम होगा। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, और आप जानते हैं जिस देवता की तुम और हम कथा सुनने बैठे हैं उस देवता का नाम है आशुतोष। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाला। शिव जैसा कोई देवता नहीं हो सकता। एक बार एक चोर घुस गया शिव मंदिर में, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अब सोना चांदी चाहिए तो भैया भगवती के मंदिर जा, कन्हैया के मंदिर जा, भोलेनाथ के मंदिर में कहां मिले कछु ना है। रात को मंदिर में घुसा, इधर देखा कुछ नहीं, इधर देखा कुछ नहीं, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, भोलेनाथ के ऊपर एक बड़ी सी घंटी टिंग रही, यही लेके जाऊंगा। अब देखा महाराज खूब ऊंची है, क्या करूं क्या करूं, भोलेनाथ के ऊपर दोनों पैर रखे और घंटी चुराने, जैसे ही भैया हाथ लगाया डम डम डमरू का निनाद करते भगवान प्रकट हो गए, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं वरदान मांग। चोर सोचे ये सच में भोलेनाथ है, महाराज चोरी करने आया हूँ, भगत नहीं हूँ, कौन सी भक्ति की। भोलेनाथ बोले तुझसे बड़ा मेरा भक्त कोई नहीं हो सकता, कोई फल चढ़ावे कोई फूल चढ़ावे, तू तो खुद ही चढ़ गया, तूने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। शिव है वो भोलेनाथ है वो अगड़ श्री श्री। शिव पुराण की कथा कहती है भैया, और एक बड़ी सुंदर बात कही कि जो ग्रंथ को निकट आकर प्रणाम करते हैं, होता है ना हमारे हिमाचल में कथा समाप्त होते हम निकट आकर प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं उसका कारण सुनो। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 2 में कि जो निकट आकर शिव पुराण को प्रणाम करते हैं उन्हें देवताओं के मूर्ति को पूजने का फल प्राप्त होता है। देखो स्पर्श करने के विरोध में हूं मैं हमेशा से, मंदिर में जाओ कहीं भी जाओ बहुत अधिक स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर प्रणाम अवश्य किया करो। शिव मंदिर में भी जाती हो जल नहीं चढ़ाना है तो बहुत अधिक शिव को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हमारे हिंदू समाज में कमी है कि हमारी मूर्तियों को शीशे में रखना पड़ता है, कि हमें बार बार गलत है नहीं छूना चाहिए, हम अधिकारी नहीं है भैया। जिन वस्त्रों में हम मलमूत्र करेंगे उन्हीं वस्त्रों में मंदिर जाएंगे, मानती है दूर से प्रणाम। और यदि तुम्हारे भीतर भाव होगा तो दरवाजे पर खड़े खड़े भी तुम पर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, पड़ जाएगी। प्रेम से कहो नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की। एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी भगवान को पाने की सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है। माताओं शिव पुराण में भगवान को पाने के 3 बड़े बढ़िया रास्ते बताए गए, और पहले से बढ़िया दूसरा बताया, दूसरे से बढ़िया तीसरा बताया। पहला श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से उसे सुनना, किसे भगवान को। इससे बढ़िया बताया दूसरा वचसा कीर्तनम तथा, मुख से उसकी महिमा गाना, भजन गाना, मंत्र कुछ भी। और सबसे बढ़िया बताया मनसा मननम तस्य, उसे अंदर से याद करना। और कैसा महासाधनम उच्यते, कभी समय हो ना मैं तुमसे निवेदन करूं सुबह सुबह मंदिर मत जाया करो। सावन का महीना है या शिवरात्रि आदि हो, मंदिरों में खूब भीड़ होती है, सबके हाथ में जल का लोटा है, 2 के जल के लोटा भोलेनाथ के माथे पर, 2 के तुम्हारे माथे पर, होता है भीड़ भड़क के ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बगल में मंदिर है दोपहर को खाली होता है, जाओ। कोई थाली नहीं, कोई फूल नहीं, कोई भोग नहीं, कोई खाली। और भोलेनाथ यदि पूछे क्यों आई तो कहना पूजने नहीं आई, मिलने आई। भगवान की भी इच्छा होती है कि रोज पुजारी बन के मत आओ, कभी दीवाने बन कर जाओ, वहां बैठो,
वह आंखें बंद करके ध्यान करो। और एक नियम बता रहा हूं तुम्हें आज के बाद, वो पक्का करना। क्या शास्त्रों में मंदिरों में दर्शन करने का तरीका बताया गया। पहले ये परंपरा थी, खत्म हो चुकी है। जब मंदिर से दर्शन करके निकलो तो मंदिर की सीढ़ियों पर जरूर बैठना चाहिए और उन सीढ़ियों पर बैठकर तीन बातें कहनी चाहिए। संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत में याद न हो हिंदी वाला ध्यान रखना। तो मंदिर से राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, शिव का, किसी का भी मंदिर हो, बाहर आओ, सीढ़ियों पर बैठो, तीन चीजें मांगना परमात्मा से। पहला, अनायासेन मरणम, कि प्रभु मृत्यु के समय बहुत अधिक तड़पना ना पड़े। आप अच्छे से समझते हैं, अनायास हंसते खेलते मौज में हमारी मृत्यु हो। दूसरा, विना दैन्येन जीवनम, जीवन में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और तीसरा, देहांते तव सानिध्यम, जब मरने लगूं तेरी चरण शरण प्राप्त हो। बस परमात्मा देही में परमेश्वरम, ये तीन वस्तुएं तू हमें दे। हमारे पहाड़ में, अब सब गांव के हैं जो बात कहने जा रहा हूँ अच्छे से समझो, हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बचपन में जब हम सुनते थे हंसी आती थी उस बात पर, जब शास्त्रों को पढ़ा तो समझ आया। हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि परमात्मा जब भी उठाना चलते फिरते उठाना। घर के बुजुर्ग बोलते हैं, पर भैया जब इसके पीछे का भाव समझाना, आने वाले दिनों में सुनोगे तुम, मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा होती है। और हम लोग क्या कहते हैं, महाराज फला फला आदमी वो तो बड़ी शांति से मरा, अच्छी अच्छी बात है। कोई मरते समय तड़पेगा वो परिवार को भी कष्ट देगा। महाराज फला फला व्यक्ति था, बढ़िया खाना पीना खाया, सोया, सोए सोए मर गया। ये क्या है, ये है अनायासेन मरणम, बिना कष्ट की मृत्यु। दस दस बीस बीस दिन लटक रहे हैं, भीतर से प्रचंड चीखें निकल रही हैं, कोई अस्पताल में प्राण छोड़ रहा है, कोई पीजीआई तक भटक, क्यों? संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमने जीवन में कितना पुण्य किया ये हमारी मौत बता देती है। कितना तड़पना पड़ा ना पड़ा, भजन कसम अनायासेन मरणम, अनायास। सबसे पहले भगवान का ध्यान करो, फिर उनकी वाणी गाओ, फिर उनकी कथा सुनो। एक बार श्री व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। भगवान वेदव्यास आकाश से दिव्य विमान उतरा, उस विमान में बैठे हैं ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार। सनत कुमार जी बैठे हैं, श्री व्यास जी ने प्रणाम किया और व्यास जी कहते हैं, आप मुझे मुक्ति का ज्ञान दें। कौन व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, पर वो भी अपने से ऊपर किसी को मानते हैं। आप मुझे मुक्ति का ज्ञान दें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान को सुनना, भगवान को गाना, भगवान का ध्यान करना, ये तीन सबसे बढ़िया साधन है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जो ये तीनों ना कर पाए वो क्या करे। माताओं, अब तुम्हारे काम की चीज आ रही है यहाँ पर, और ये विषय कई बार आएगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं, जो ये न कर पाए वो शिवलिंग का पूजन करे। घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखें, ये सवाल बहुत आते हैं। देखो, शास्त्र तो कहते हैं कि घर में मूर्तियां 12 या 10 अंगुल से बड़ी नहीं रखनी चाहिए, 12 अंगुल से बड़ी। दूसरा, हम लोग मेला में जाते हैं या किसी गिफ्ट शॉप में जाते हैं, कोई बढ़िया डिजाइनर मूर्ति हमें अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी, हम लाके उन्हें पूजा वाले कक्ष में रख देते हैं, मत रखा कर। कोई प्लास्टिक की मूर्ति होगी, कोई पीओपी की मूर्ति होगी, ये पूजने वाले पदार्थ नहीं है। मूर्तियां पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, तीन ही होती है, क्योंकि जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो 24 घंटे से अधिक नहीं पूजी जाती। दूसरा मेरा निवेदन, अपने पूजा वाले कमरे को बहुत अधिक मत भरो, कम रखो, ताकि तुम्हें पूजने में सरलता हो। ऐसा ना हो अपने ही देवता ढूंढने मुश्किल हो जाए, शिव जी गायब हो गए आज कहीं पता। अब
अब जब 100-100 देवता रखेंगे तो एकाध तो सर के सर एक ऐसा है सबसे। यहां वेदव्यास ने एक बड़ा प्रश्न पूछा कि शिवलिंग में शिव को पूजे या मूर्ति में, ये काम की चीज है। तो कहा शिवलिंग में भी पूजो मूर्ति में भी पूजो। शिवलिंग बढ़िया है या मूर्ति? तो बड़ी सुंदर बात यहां कही कि दोनों बढ़िया है, पर मूर्ति की तुलना में शिवलिंग अधिक बढ़िया है। मूर्ति क्या है? साकार शिव। तुम्हें हाथ आंख नाक मुख त्रिशूल सब देखेगा, जैसे पीछे भगवान शिव का स्वरूप लगा है, ये क्या है? ये साकार शिव है, ये मूर्ति है। निराकार क्या है? शिवलिंग। शिवलिंग हाथ पैर नहीं होते। शिवलिंग क्या है वो कल की कथा में बताऊंगा, क्योंकि शिवलिंग शब्द के ऊपर लोग खूब वितंडावाद करते हैं, खूब विवाद करते हैं, और वो विवाद अपनी मूर्खता का है, संस्कृत की अनभिज्ञता का है। भैया क्षमा करना, कई बार बहुत सेंसिटिव टॉपिक व्यासपीठ पर उठते हैं, पर वो सेंसिटिव हम लोगों के कारण है, शास्त्र के कारण नहीं। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या दूसरे का पूजा शिवलिंग हम पूज सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी शिवजी को पूजने की आदत है, प्रतिदिन तुम अपने साथ अपना शिवलिंग कैरी नहीं कर सकते। वैसे तो करना चाहिए, अगर प्रतिदिन कोई शिव का उपासक हो उसे शिवलिंग अपने साथ रखना चाहिए। तो क्या दूसरे का शिवलिंग पूज सकते हैं? तो दो शिवलिंग ऐसे बताए जो दूसरे के तुम पूज सकते हो। पहला नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर आप समझते हैं। दूसरा पारद से बना हुआ शिवलिंग, आप किसी दूसरे का भी आप किसी अपने अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, वहां तुमने देखा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पूछ दो, कोई समस्या नहीं। और ये भी ना हो, शास्त्रों में इतना भी कहा गया, अपने अंगूठे को शिव के भाव से आप इसका पूजन कर सकते हैं। इसमें पूजन नहीं कर सकते तो तुम सूर्य में शिव का पूजन कर सकते। शिव को जल दिया पर शिव के भाव, सूर्य को जल दिया पर शिव के भाव से वो शिव का पूजन। पर बड़ी सुंदर बात यहां शिव पुराण कहता है कि भूल कर भी शिव को याद किए बिना पानी का घूंट भी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अपने जीवन में आदत बना लो, कोई नया कपड़ा भी खरीद कर लाओ ना तो भगवान को निवेदित करो पहले, तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। क्यों? जब तुम कोई चीज भगवान को अर्पित करके लोगे ना, वो फिर वो वस्तु नहीं रहेगी, वो प्रसाद हो जाएगा। अच्छा मान लो तुमने एक बढ़िया हलवाई के यहाँ से लड्डू खरीदे 2 किलो मान लो, और तुम जा रही हो हनुमान जी के मंदिर, रस्ते में तुमको मिल गई तुम्हारी सहेली, सहेली पूछेगी ये किसके हैं, ये क्या है, तुम कहेगी लड्डू है ना, किसके हैं, तुम उस हलवाई का नाम लोगी। मंदिर से जाकर तुम वापस आई, अब सहेली पूछेगी ये क्या है, तुम कहोगी प्रसाद किसका है, हनुमान जी का। बदला क्या? लड्डू तो वही है, बदला क्या? उस लड्डुओं के भीतर, उस प्रसाद, उस चढ़ाई हुई वस्तु के भीतर जो मैं था, हनुमान जी ने उसका भोग लगाया। और एक बात मैं हमेशा विनोद से कहता हूँ कि लोग खूब बढ़िया बढ़िया भगवान को भोजन की थाली भोग लगाते हैं, कब तक? जब तक भगवान ने सच में खाना शुरू नहीं किया। जिस दिन भगवान ने तुम्हारी थाली सफा चट करी, अगले दिन से भोग बंद। महाराज ये तो खाते हैं, ये तो खाते हैं। तो समझो इस बात को कि शिव को सुनो, शिव को गाओ, और शिव का ध्यान करो। ये तीन रास्ता बताए गए। परमात्मा एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ शिव पुराण एक बड़ी सुंदर बात, हम लोग ना शिव जी को बाबा मान के बैठे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। शिव ने हर जगह यही कहा है, मेरी पूजा हो तो राजाओं की तरह, राजोपचार से मेरी पूजा हो। भगवान ने सोना चांदी से नीचे की तो बात नहीं की है शिव ने। भगवान कहते हैं सोने चांदी के छत्र से मेरा पूजन हो, यदि ढंग से पूजन करना है, नहीं कर सकते तो बस एक बिल्व पत्र चढ़ा दो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण।
वो तीन पत्र का बिल्व डंडी इधर को रखो ने डंडी उधर को रखा, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा। ये व्यर्थ के चोंचले हैं। जब से ये सोशल मीडिया बढ़ा है तुम मानोगे, तब से पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया। हर दूजे पंडित जी नया तरीका बताए। हाँ, कल को कोई पंडित जी बोलेंगे सिर के बल मंदिर जाओ। कृपा आनी शुरू हो रही है। शिव कहते हैं मुझ पर बिल्व पत्र चढ़ाओ। बस अगर तुमने दो चार बिल्व पत्र चढ़ाने हैं तो ध्यान रखो कि वो टूटा हुआ ना हो, वो खाया हुआ ना हो। जब खूब सारे बिल्व पत्र चढ़ाने तो भैया उठाओ एक साथ में, हर हर महादेव। और तुम एक रहस्य की बात बताऊं, भगवान गणेश और भगवान शिव में समानता है। शिव को अपने ऊपर बिल्व पत्र का भार पसंद है, भार, और गणेश को अपने ऊपर दुर्वा का भार पसंद है। जितना अधिक चढ़े, शिव कहते हैं मुझे 56 भोग लगाए, सोना चांदी चढ़ाए, बिल्व पत्र ना चढ़ाए, पूजा स्वीकार नहीं। और बिल्व पत्र की तो ऐसी महिमा है कि एक ही बिल्व पत्र तुम बार बार धोकर शिव पर चढ़ा सकती हो, वैसा भी कुछ नहीं कर सकते। तो तुम में से जो जो रोज शिव का पूजन करते हैं, बढ़िया एक चांदी का सोने का बिल्व पत्र बनवा लो, रोज पूजन में चढ़ाया, जब पूजन समाप्त हुआ वो धोकर फिर एक तरफ कर लिया, पर बिल्व पत्र अवश्य। ये मैं संतों की कही बात के आधार पर ही कह रहा हूं, क्योंकि बिल्व पत्र 12 महीने कई बार अवेलेबल नहीं होते। तो बिल्व और तुलसी ऐसे हैं जो बार बार धोकर चढ़ाए जा सकते हैं। और क्या शिव पर तुलसी चढ़ती है, ये मैं कल बताऊंगा, ये मैं कल बताऊंगा। पर एक बात का संकेत अभी दे दूं तुम्हें, शिव पुराण से तीन प्रमाण निकाल कर दूंगा शिव पर तुलसी चढ़ती है, प्रमाण के साथ, कल विस्तार के साथ इस बार। भैया बहुत भ्रांतियां हैं शिव को लेकर, अब मैं तुमसे पूछूं शिव पर भांग चढ़ती है, तुम्हें किसी पुराण में प्रमाण नहीं मिलेगा। और भांग का समर्थन वही करेंगे जिन्होंने, मैं प्रमाणित करूंगा कल की कथा में। और तुम्हारे पास प्रमाण हो तो लाना कि शिव ने भांग पी, लाना मेरे पास प्रमाण। मेरी बातें चुभ सकती हैं, चुभनी चाहिए, सच कड़वा होता है। क्योंकि मैं फिर से निवेदन करूं, मैं यहां आप लोगों को प्रसन्न करने नहीं आया, मैं शास्त्र की बात करूंगा, जो शास्त्र बोलेगा मैं बोलूंगा, तुमको स्वीकार होए सो होए, न होए न हो। ठीक, कल की कथा में क्योंकि पूरा एक एक अध्याय है जहां बताया गया शिव पर क्या फूल क्या पत्ता चढ़ाने का क्या फल। माताओं आप आश्चर्यचकित होंगे सुनकर, उस अध्याय में शिव पर लाल मिर्च तक चढ़ाने का वर्णन आया। चढ़ाने मत लगना हो, हाथ जोड़, ये उल्टे वाले उपाय हैं, बिल्कुल मत करना। शिव पर सरसों का तेल, काली मिर्च, लाल मिर्च, सरसों, ये चीजें मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ, ये तंत्र की चीजें हैं। पर उस पूरे शिव पुराण के 24,000 श्लोकों में भांग शब्द नहीं आया कहीं। करेंगे चर्चा कल विस्तार, क्योंकि कल ये अध्याय आएगा। और यहां कहा गया, देखो भैया अब यहां शिव का स्वरूप बताया गया कि शिव शिवलिंग है, उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें कहा गया निष्कल। कल पूछूंगा, याद रखना। और शिव की जो मूर्ति है उसका आकार है, उसे कहा गया सकल। तो शिव के दो स्वरूप बताए गए, सकल और निष्कल। निष्कल यानी बिना आकार का, यानी शिवलिंग, और सकल यानी आकार का। अब शिव कैसे हैं वो मैं बहुत अधिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि दो हाथ, चार हाथ, छह हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, हजार हाथ, सबका वर्णन आया है ग्रंथों में। और मूल शिव आपने अभी सुना, वो 10 हाथ के हैं। शिव सदा शिव, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शिव का पूजन, पूजा करने वाले को भोग भी देता है। भोग का अर्थ भोजन नहीं है, भोग का अर्थ है सुख सुविधा संपत्ति और मोक्ष भी। माताओं ये हम पर निर्भर करता है, हम शिव से क्या मांगना चाहते हैं। भोग मांगोगे भोग देगा, मोक्ष मांगोगे मोक्ष देगा।
भोग भी देते हैं शिव, मोक्ष भी देते हैं। और जो शिव का पूजन करते हैं, शिव कहते हैं मैं उसे स्वप्न में भी दुखी नहीं होने देता। शिव का पूजन करने वाले शिव कहते हैं उन्हें लेने काल भी आए तो ढाल बनकर महाकाल खड़ा रहता। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ना, अकाल मृत्यु वो करे जो करे काम चांडाल का, बाल ना बांका हो उसका जो भक्त हो महाकाल। ये शिव है। और भैया मुझे थोड़ा लगा इसलिए भी है क्योंकि मैं शिव की से आया हूं। शिव का महीना चल रहा है, शिव की कथा चल रही है। अतः आप राम को मानते हो मानो, कृष्ण को मानते हो मानो, दुर्गा को मानते हो मानो, शिव को भूल मत जाओ। शिव वो सब दे सकते हैं क्योंकि सब देवता मानने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। भोलेनाथ नहीं भैया, भोलेनाथ तो कहते हैं किसी ने भाव से मेरे चरणों में दो आंसू भी अर्पित कर दिए, हे पार्वती मैं उसे त्रिलोक की संपत्ति देता हूं। त्रिलोक ऐसे शिव की कथा को आप और हम आज से श्रवण कर रहे हैं। भैया आज इस कथा का प्रथम दिवस है, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा आपका। बस एक बात का विशेष निवेदन करूं और ये बात मैं उन्मुक्त कंठ से कहूंगा। देखो आपको और हमें पूज्य महाराज श्री का धन्यवादी होना चाहिए। मैं पिछले कुछ वर्षों से स्थान पर आ रहा हूँ, सेवा कथा सेवा के लिए पहली बार आया हूँ। पर आप में से जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, आप जानते हैं कि ये स्थान आप लोगों के लिए तीर्थ जैसा है। ठीक, ये जो 11 दिन का अनुष्ठान चलता है, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत आएंगे, है ना, कोई ज्ञान सिद्ध, कोई भाव सिद्ध, कोई तप सिद्ध, कोई रस सिद्ध, बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं। हर वर्ष तो में कोई ना कोई नई कथा का आस्वादन करने को मिलता है, यानी करना कुछ नहीं है, बस उनकी छत्र छाया में यहाँ मेला सजता है। तुम्हें आकर बस मेले में मौज लेनी है, शिव नाम के झूले झूलने हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। बस इतना आप लोगों का तो चलो स्थान पर प्रतिदिन आना है, पर मेरा जब कभी भी यहाँ आना होता है या महाराज जी से बात होती तो खूब प्रेम, खूब स्नेह, खूब आशीर्वाद मिलता है। और आप लोग तो प्रतिदिन आने वाले, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है कि कल से यहाँ एक आदमी के बैठने की भी जगह नहीं बचनी चाहिए। खूब बढ़िया उमड़ घुमड़ के आओ, जैसे मेला में जाती हो ना, बढ़िया सज धज के, बढ़िया टिप टॉप, वैसे ही आना कथा में। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग मंदिर और कथा में जाने में रस क्यों नहीं लेते। एक छोटी सी बात कहूं आता हूं तुम्हें, हम जब वृंदावन में पढ़ा करते थे 2008 की बात है, तो जिस जिसने वृंदावन में गुरु परंपरा में रहकर भागवत सीखी है उन्होंने पहली कथा यमुना जी को सुनाई है। हम भी सुनाते थे यमुना जी को, तो पास में एक बाबा जी रहते थे, वो नहीं है, उनका शरीर शांत हो चुका है, फटे पुराने कपड़ों में होते थे। रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, अपना बैग खोलेंगे, बैग से बढ़िया वाली शेरवानी निकालेंगे, शेरवानी पहनेंगे, बढ़िया पगड़ी बांधेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, इत्र लगाएंगे और बाबा जी बनठन के मंदिर जाएंगे। मंदिर से लौट कर आएंगे, वो शेरवानी उतार के रख देंगे, फिर भी फटे पुराने गुदड़ी। धीरे धीरे स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, हमने महाराज जी से वही पूछ लिया कि महाराज ये क्यों? कहते देखो भैया, हम नहीं चाहते कि कृष्ण को लगे कि उसका उसका भक्त गरीब है। मैंने कहा आप इन कपड़ों में चले जाओगे तो क्या दिक्कत है? कहते कृष्ण मेरी चिंता करने लगेगा, उसे भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, किसी भक्त को भेज के कपड़ों की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, तो मैं कृष्ण के सामने कभी बेचारा और गरीब बनकर ही नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ कि मैं एकदम चकाचक हूँ, तू बस यहाँ बैठ के दर्शन देता रहे। तो जब कभी कथा कीर्तन में जाओ तो भैया श्रृंगार जो है वो भगवान के लिए है, जो स्वरूप है वो भगवान के लिए है, जो नहीं है वो भी भगवान के। भाव के आभूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से कराऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से कराऊं मैं।
दाबो तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, दाबो तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, जपो मैं तेरो नाम, मैं आठो या जपो मैं तेरो नाम, मैं आठो या मुझको राधा रमन, कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन, कर दो ऐसा। प्रभु मेरे पास बाहर के आभूषण नहीं है, तो भाव के आभूषणों से, भाव के रत्न ही कल्पितमासनम हिमजल, आपको सजाऊं मैं भाव के आभूषणों से। भैया शास्त्रों में आया है तुम्हारे पास धन नहीं है, रोज स्नान करके तिलक लगा के बैठो और भगवान की मानसिक सेवा करो कि हमने स्नान करके भगवान को सिंहासन पर बिठाया और खूब बढ़िया मोटे मोटे सोना चांदी के गहना पहरा भाव की सेवा। नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, रोज अपने हाथों से आपको भोग पवाऊं, नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, फिर दाबू तुम्हारे चरण, आपके चरण दबाऊंगा कब, करो जब तुम शयन, दाबू तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, जपो मैं तेरो नाम, मैं आठो या जपो मैं तेरो नाम, मैं आठो या मुझको राधा रमन, कर दो ऐसा। बोलियो उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महा। आओ अंत में एक भाव गुनगुनाएं, फिर हम कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलें। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों। मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ अंतिम भाव, फिर कथा के विसर्जन की ओर चलेंगे। बोलियो उमापति महादेव की। हो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, हो भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने
हो भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हो भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। बोलियो महापति महादेव की जय हो। मैं भला बुरा हूँ तेरा, मैं भला बुरा हूँ तेरा, हो मैं भला बुरा हूँ तेरा, मैं भला बुरा हूँ तेरा, तेरे द्वार पे डाले डेरा, तेरे द्वार पे डाले डेरा, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, हो भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों, ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, ओ महादेव तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे भार समझ के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास
तू अपने चरणों में, हो भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हो भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हो भोलेनाथ तू अपने तू अपने चरण, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, बोलियो उमापति महादेव की। अंत में सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलियो उमापति महादेव की। पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी